बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ताखीर के लिए माजरत, हमारा नीचे हाउस चल रहा है और उसमें काफी सुनमुखी का रुझान था। लॉग एट वालों को कितने नंबर देने हैं, क्या सिलसिला है, वो भी इसमें भी अभी लड़ाई हो रही थी। आप तमाम दोस्तों से इब्तदा के अंदर ये रिक्वेस्ट है, आज की जो गुफ्तगू है, एक आम वकील और एक बेहतरीन वकील का फर्क किस चीज से बनता है? आपको रिसर्च करना आता है कि नहीं, और आपको प्रैक्टिकली आप ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या आपके लिए टिप्स हैं, ये एक तरीके से आपको अच्छा और एक वकील जो कि अपने मेरे मुंशी के ऊपर या अपने स्टेनो के ऊपर इन्हसार करता है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस दिखाता है। आपने अच्छा वकील बनना है तो आपके पास अगर ये नहीं है, आपका एक रजिस्टर नहीं है, तो आप जीरो हैं। मैं आपको दर्जनों दफा कह रहा हूं, मलिक मोहम्मद के यूं मेरे वालिद साहब अगर इस प्रोफेशन के अंदर लेजेंड हैं, या साकिब निसार अगर इस प्रोफेशन के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, लेजेंड है, वो आज भी शुमारे पकड़ के अपना रजिस्टर अथॉरिटीज के बारे में अपडेट करते हैं। इस रजिस्टर के अंदर मेरी कुल प्रोफेशनल लाइफ बंद है। ये रजिस्टर गुम भी सकता है, आज उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट के ऊपर किस तरीके से आप यही चीज मवाद रख सकते हैं, क्या फायदे हैं, किस तरीके से। अगर आपने कोई रिसर्च की और आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप घर जाएं, आप अच्छे वकील नहीं बन सकते। मैं इतनी बड़ी बात यहां पे कर रहा हूं कि ये चीज अगर आप नहीं करेंगे तो आप बेले हैं, बार बार कह रहा हूं। आप हर दफा जीरो से, आपका नया मुकदमा आएगा, आपको हर दफा जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी। वो यार जजमेंट के दर मैं वेखन दो, जितने मुकदमे किए, जो चीज पड़ी है फेवर में अगेंस्ट है, एक एक जुमले में इसमें मैंने बीच में लिखा हुआ है, और इससे मैं वकील बनता हूं, इसमें मेरी सारी उम्र की मुशक्कत मौजूद है। माशाल्लाह वाली बात नहीं, यहां पे मेरे खिलाफ भी जो जजमेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शायद, बट इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं कि अच्छे वकील की, और मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा वकील वो है जिसकी आदत अच्छी है, वो एज अ मैटर ऑफ कोर्स अगर कोई जजमेंट सुनी यार ये वाली है, तो वो पकड़ के अपने साथ लिख लेता है कि ऐ मेरे वास्ते असलहा है जिससे मैंने जंग जीतनी है। जिस बंदे के पास मेरी एक छोटी सी छुरी है और दूसरे के पास बारूद और असलहा वगैरह दर्जनों पड़ी हुई है चीजें, वेपन्स पड़े हुए हैं, तो वो हमेशा जीत जाता है। और बात ये है, आपको आपने जो मुकदमे तैयार करने और जो मवाद तैयार करना है, आपने इस तरीके से करना है। जो गंदा वकील, जो कमजोर वकील होता है ना, वो करता है कि जी रिसर्च कर रहा है, अपना नुक्ता ढूंढ रहा होगा, अच्छा ऐ मेरे वास्ते नहीं बनता, ऐ नहीं बनता, जो लिख रहे हो ऑलरेडी एक दफा तुमने पढ़ ली है, लिख लो कि मेरे खिलाफ है, अगली दफा दूसरी साइड तुम पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है। और दूसरी साइड से अगर आप पेश हो रहे हैं, आपको जो वकालत के सही हो रहे हैं, किस तरीके से मुकदमा जीतना है, वो आपको इसमें रजिस्टर में से मिलेगा। आपका रजिस्टर बनना, आपका ये करना, और ये भी कर ले, मैं एवं बीच में कहता रहता, मेरे अब्बा जी को कोई नहीं पड़ी हुई कि तेरे को 50 साल से प्रोफेशन के अंदर हो गए कि उन्हें भी बह गया कि सारे के सारे ये कर रहे हो, क्यों, क्या फायदा है? दो रजिस्टर बनाने के चल फवायद के बारे में बात करेंगे। वकालत क्या है? वकालत ये है कि नुकता क्या है जज को बताना। हर चीज जो आप अपने रजिस्टर के अंदर लिखेंगे, रजिस्टर में आप मजमून नहीं लिखते, वकालत का गोर और एक रजिस्टर बनाने का गोर ये है, ये मैनुअल रजिस्टर है, उसका गोर ये है कि आप उस केस में जो चीज आपने पढ़ी है वो एक जुमले में बंद कर सकते हैं कि नहीं, मतबल क्या है, मतलब क्या है, नुक्ता क्या है। कोई जजमेंट पढ़ो, अब बात ये है कि आपके पास प्रोफेशन के अंदर, इब्तदार के अंदर 100 मुकदमा नहीं आना, सही है, मगर 100 मुकदमे को अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जैसे 100 मुकदमे आपके हैं, और अपना दिमाग उस नुक्ते नजर से करोगे तो 100 मुकदमे आपके। बात तो ये है कि जजमेंट लिखी हुई है, ये हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसने लिखा इस साइड ने ये कहा, अच्छा उसने आपके लिए मुशक्कत सारी कर दी होती, उसने इस जजमेंट पे रिलाई किया, उसने काम कर लिया। एक जजमेंट आप पढ़े, दूसरे वकील ने ये कहा, उसने उसको तोड़ने के लिए क्या नुक्ता निकाला, उसका ये सारे का सारा तो पता चल गया कि मैं अगर मुकदमा करांगा तो मैं ये भी चीजें कह सकता हूं, और इसके तोड़ में ये चीजें भी कह सकता हूं। उधर जाके आप रुक जाएं जज के फैसले से पहले, अच्छा मैं अगर जज होता तो मैं क्या कहता। वकालत है कि आपका वकील का इंस्टिंक्ट एक सवाल का जवाब क्या निकालना है वो आपने अपने अंदर पैदा करना है।
आप जब तक ये सवाल अपने आप से नहीं पूछोगे आपका दिमाग नहीं चलेगा। और मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, लड़कों का ख्याल है और आप लोगों का दोस्तों का ज्यादा का ख्याल होता है कि ये मुकदमे सिर्फ करने से बंदा सीखता है, इब्तदा में ये काम करने से आप सीखते हैं। और इसको अगर आप आंखें दिमाग खोल के अगर आप इसको अफसाने के तौर के ऊपर एक केस लॉ को पढ़ेंगे, कहानी है ना, ए पार्टी ने कीता है, नहीं कीता तो हुन इख्तिताम क्या होना जज ने। आप जब तक उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेंगे ना आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि बहेगा कल ऐ कि ए पढ़न का मैनू की फायदा सारे का सारा। बात ये हर चीज में आपने चाहे स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं चाहे आप जजमेंट पढ़ रहे हैं आपने अपने आप से पूछने हो भाई मैं इसको किस तरीके से इसका फायदा हासिल कर सकता हूं या इसको करके मुझे क्या नुकसान हो सकता है। कोई जजमेंट में आपको ये नहीं लिखा होगा कि प्लेट के अंदर क्या क्या लवाजम आते हैं, मगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस का अगर आपने सेक्शन 9 पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है कि किन किन इंग्रेडिएंट्स को आप डालेंगे तो आपका मुकदमा बनेगा, तो वो आपने प्लेट में अपने लिखना है। अच्छा वकील हर मुकदमे को हर कानून का इंजर पिंजर अलहदा करके अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेता है, फिर समझ लो कि यहाँ पे हर वक्त लॉ मूट नहीं होता रहना। लेकिन किताब आपके मेरे अब्बा जी के साइड की बेड साइड के ऊपर SCMR अभी भी पड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने मुकदमा जीतना है, इजाजुल अहसन का ये फैसला आया हुआ है। और आजकल इसी नौयत के मुकदमे फलां आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट के आ रहे हैं, तो मलिक साहब उन्हें पता होगा कि जी अच्छा कंप्यूटर के अंदर है जेल के अंदर की इजाजुल अहसन का यह फैसला है, इजाजुल अहसन है पूछ दें ऐ ये नहीं पूछता ये नहीं करता, ये आपकी तैयारी है। जजमेंट्स पढ़ने से सवाब नहीं होता, इन चीजों को जो आपको हम यहाँ पे सिखा रहे आपकी रोजी रोटी और आपका मुकदमा जीतना या हारना हारने का उस पे निसार है। जज को आपने वो चीजें लिख के देनी है कि भाई ये है इसलिए मेरे फेवर में करो। वकालत कुछ नहीं है, वकालत सिर्फ एक, वकालत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है आपके ख्याल में? वकालत है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कामयाब नहीं पूछ रहा हूँ बंदा कौन है यार? नहीं यार जी ना आपका क्लाइंट इंपॉर्टेंट है ना ये, तुम वकालत में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जज है, क्योंकि नहीं केस भी नहीं है, केस तो 100% हो, अगर जज आपके साथ नहीं है तो 0 है, आपकी तैयारी 100% हो आप 0 है, आपका दिल के अंदर आपने 172 चीजें पढ़ी है जज आपके साथ नहीं आप 0 है, आपका क्लाइंट रो रहा हो चीख रहा हो जज आपके फेवर में नहीं फैसला करता 0। वकालत को आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो अच्छा वकील होता है ये बंदा बैठा हुआ मैंने इससे वकालत का गोरी ये कि इससे कागज पे लिखवाना है कि मैं सही हूं मेरा क्लाइंट और दूसरा बंदा गलत है, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती इस प्रोफेशन के अंदर इस चीज से ज्यादा। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपने उसको कोई वजह दे दी है कि वो आपके फेवर के अंदर डिसाइड करे, ऐ नहीं कि बड़ी जोर दे नाल तुसी किया है या 15 बंदे साथ लेके आए हैं, उसको अगर आप मवाद देते हैं भाई जी सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब क्या है तुसी पाबंद है गए हो, प्रेसिडेंट की जजमेंट पढ़ने का ये फायदा है कि वो पाबंद है, अनलेस वो अपने आप को आर्ग्यू करके इसमें से बाहर निकाले वो उसका पाबंद है खेलना आपने उसके ऊपर। आप ये चीजें रजिस्टर इसलिए नहीं बनाते कि आपको सवाब होगा या आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपका बड़ा ये है मोटा बीच में रजिस्टर है, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने उसके सामने पत्ता फेंकना क्या है भाई मैं तो जीत गया, और वो अगर कर रहा है उसके मुताबिक ये जजमेंट वगैरह के तहत कर रहा है तो इसलिए आपने उसके लिए तैयार करके लाना। जजमेंट अगर आपने आपके रजिस्टर में ही रहेगी जज नु नहीं दोगे तो जज ने नहीं फैसला करना। हाँ कई लोग कहते हैं कि जी बड़ी जजमेंट थी जज ने ये नहीं किया उसने डिस्टिंग्विश कर दिया वो या जज ने मेंशन ही नहीं की जजमेंट वगैरह, पर अमूमन जो कानून के मुताबिक है जिस तरह चलता है आपने वजह बतानी है, ये आपके सारे के सारे गुर हैं। आपको ये मैंने जो वेबसाइट दिखाई है इसमें चंद चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि ये मैंने अपने जितने लेक्चर्स वगैरह किए हैं और दूसरे लोगों से करवाए हैं कोई 100 के करीब है ये मौजूद है, लिंक्स भी मौजूद है और स्लाइड भी सारी की सारी मौजूद है। इनमें से मैं आपको चंद बीच में लेक्चर्स कहूंगा, ऊपर qyums.com/lectures L इंपॉर्टेंट है L कैपिटल है lectures.html ये आप लिखेंगे कि जर्नल कैसे पढ़ते हैं। अच्छा आपको मैं ये बता रहा था सॉरी एक सेकंड के बाद इसको आते हैं,
कि जी आपने पहले पढ़ लिया, एक पार्टी ने क्या कहा, आपने पढ़ लिया दूसरी पार्टी ने क्या कहा, उन सुप्रीम कोर्ट आपका दावा पढ़ रहे, उन बंद उन्होंने कहा इन जजमेंट्स पे रिलाई किया, आपकी आधी मुशक्कत तो हो गई, उन वकीलों ने कर दी हुई है सारी की सारी उस नुक्ते के ऊपर आपकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की लिख के दे दी हुई है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इस नुक्ते के ऊपर फेवर में ये चीज है, खिलाफ ये, और वो पढ़ोगे कहानी के तौर के ऊपर तो आपको समझ आएगी। वहां पे आपने रुक जाना, हूं मैं जा जाऊं तो मैं अगर ऑर्डर कर रहा होता तो मैं क्या करता जवाब, ठीक है, फिर आगे पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा इस जज ने क्या किया, मैं सही था कि जज सही था, होता जज ही सही है एंड में, मगर आपके जहन में आ गया कि अच्छा जज इंच लाइनों के ऊपर चलते हैं, सही। जजमेंट्स भी और कोर्ट में भी आज के बाद आपने जब जाना है मेरे, अब मैं तुम्हारी कहानी बीच में सुनाई देता हूँ वगैरह, ये सारे का सारा मेरे एसोसिएट साहब यहाँ पे बीच में बैठे हुए और इनको काफी जबरदस्त किस्म की, और मैंने जानबूझ के 50 बंदों के सामने बाहर निकल के मैंने काफी ज्यादा बोला है, बाहर खड़े हुए थे शायद करीम साहब की कोर्ट के अंदर, मुकदमा होके मैं बाहर निकल आया, कोर्ट किस लिए मेरा एसोसिएट गया था, अगर उसने अंदर जाके नहीं देखना था शायद करीम का कोर्ट कैसे चलता है, इंतहा तो ये थी भाई की, अब थोड़ी सी ज्यादा होके बेचती है फिर क्या किया जा सकता है। केस कॉल हुआ, फाइल लेके बाहर खड़ा हुआ था, जो मेरा सीनियर काउंसिल था, जो मेरा सीनियर एसोसिएट था वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, ये बाहर बैठ के एक और एसोसिएट से गप्पे लगा रहा था, मैं अकेला फाइल के बगैर जज के जज साहब के सामने खड़ा हुआ था के जी करके। तो बात ये है कि आपका एटीट्यूड, आप इब्तदा में हैं, आपको मेरे से ज्यादा टाइम निकालना लगाना पड़ेगा, आपको आप मेरे से अगर आगे निकलना चाहते हैं या कैचअप करना चाहते हैं, मैं माजर के साथ आपसे मिलूं आगे, आपने अगर मुझे पकड़ना है या मेरे से आगे निकलना है, तो मैं अगर 8 बजे आता हूं तो आपने 7 बजे आना है, मैं अगर 6 बजे उठ के जाता हूं तो फिर आपको 8 बजे तक बैठना होना चाहिए, ये मेरे से ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा ना भाई। और आपके अंदर अभी इस उम्र के अंदर हिम्मत है और आपके अंदर मौका है, आपने कैचअप करना है भाई, ये जादू का कोई टीका नहीं, अगर होता तो मेरा अब्बा जी मुझे लगा देते और मैं बड़ा जबरदस्त वकील बन जाता, मैंने फट्टे के ऊपर से काम किया है और फिर मैं बीच में वकील बना, ये आप अपने जहन से निकाल दो। और बात ये है कि यहाँ पे चेहरे बिकते हैं, यहाँ पे 172 चीजें हैं, सारी गलत चीज, फिर क्या आपने कमाना है, आपने तोड़ निकालना है, आपने अपना मुकदमा जीतना है, उसका तोड़ ट्रांसफर एप्लीकेशन है, उसका तोड़ जजमेंट्स का की भरमार है, उसका तोड़ बेहतर तैयारी है, उसको किस तरीके वहां से थोड़ा सा भागना है, जिस वक्त मेरा एसोसिएट आएगा उस वक्त आपने मुकदमा आर्ग्यू करके उसको चित कर देना है, यह 15 चीजें हैं। बात यह है ये सिस्टम बहुत टूटा हुआ, बहुत दो नंबरी है, मगर आपको जब तक आप एक्सक्यूजेस खत्म नहीं करोगे अपने जहन के अंदर से, यू हैव टू कम अप, और इसको पॉइंट ऑफ व्यू आपका जहनियत ये होनी चाहिए कि मैंने जीतना है किस तरह जीत सकता हूँ, मैंने जीतना किस तरीके से जीत सकता हूँ, ये मेरे साथ जज नहीं चल रहा, क्या तरीका लंबा करूँ कि मैं ट्रांसफर करवाऊँ, कि मैं इस तरह खेलूँ, मैं इसको जजमेंट्स ला के दूँ, इसका जहन मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, अभी नहीं डिसाइड कर सकता, मिसलेनियस एप्लीकेशन दे देता हूँ, वो डिसाइड होगा, जवाब तो कम अज कम मांग लेगा, ये करना है वो करना है, ये गौर आप जब जजमेंट्स और केस लॉ पढ़ोगे तब आपको आएगा। खेलने के लिए मैं हर दफा ये कहता हूं, खेलने के लिए आप लूडो भी खेल सकते हैं और आप शतरंज भी खेल सकते हैं, शतरंज के अंदर आपको पता होता है कितने खेलते हैं, उसको 2-4 ही थे पिछली दफा, शतरंज के अंदर हर पीसेस प्यादे वगैरह इस तरह चलते हैं, किंग यूं चलता है, उसकी ये मूव है, इसकी ये है, 64 स्क्वेयर्स हैं, खेलते सारे के सारे हैं वो, बट उसमें इंटायर दुनिया है। लूडो आसान तरीका है, उसके अंदर तुम फेंका तो 4 में से कौन सा आपने मूव करना है आप वो करते रहे ना। अगर आपने गेम जीतनी है और आप बड़े लेवल के खिलाड़ी अगर आपने बनना है तो आपने बड़े लेवल की चीजें तैयार करनी है, बट आप बड़े अंदाज की गोलियां आपके पास होनी चाहिए, 7-11 मैंने देनी है, मेरे पास ये जजमेंट है, फलां जजमेंट के अंदर ये होता है, मैं आपको आसमान से तो नहीं पता चलना ना कि आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस क्या रेज करनी है, मगर अगर आपने जजमेंट्स पढ़ी होंगी कि अच्छा रिट के अंदर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी उठ जाता है, रिट के अंदर 212 की का आर्टिकल का 12 है, अगर सर्विस मैटर में उठ जाता है, वहां से पता चलेंगे। अब मैं तो आपको सिर्फ बेसिक चीजें ही बता सकता हूँ, बात तो ये है कि वो जो मुकदमा है उसके अंदर आपके सवाल का जवाब क्या है वो आपने ढूंढना, और आज की जो गुफ्तगू हो रही है तमहीद में इसलिए बार कर रहा हूँ कि आप कह सकते हैं कि भाई यार वो मैंने रजिस्टर बनाना सिखा देता था कि फायदा हुआ, मैं भी रजिस्टर बना लूंगा, ये आप ये कह सकते हैं,
ये जो बुर है ये आपकी वकालत को चार चांद लगाएगा। पाकिस्तान लॉ सेट अगर आपको अच्छी इस्तेमाल करनी आती है, आप 5 जजमेंट्स निकलवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आप जीतेंगे, आप हार भी जाएंगे अगर आपने जजमेंट्स नहीं निकाली, जज ने दूसरी साइड के ऊपर करके जो आपके पास अच्छा पता था आपने नहीं खेला, वो आपके हाथ में रह गया, तो बिल अगली दफा क्लाइंट नहीं आएगा, आपने मुकदमा जीत लिया। बंदा मुशक्कत इसलिए करता है, जजमेंट्स इसलिए पढ़ता है। और ये चीज़ें जो आपको मैं वीडियोज दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो है इसके अंदर आप इम्पोर्टेंट वीडियो चेक करें कि हाउ टू रीड लॉ जर्नल्स एंड मेंटेन अ साइटेशन रजिस्टर, ये एक ऑलरेडी मैंने 2-3 बल्कि इसके ऊपर वीडियोज बनाए हैं, अब एक ये चेक कर लीजिएगा। दूसरा अभी अभी हम प्रैक्टिकली भी लेक्चर बाय मोहम्मद अहमद क्यूएससी ऑन मार्स पीएलडी के रजिस्टर कैसे करता है, मैं अभी भी हर शुमारा पकड़ के करता हूँ, और मैं आपको कसम से कह रहा हूँ जेड़ा शुमारा मैंने पकड़ के सुप्रीम कोर्ट का देखा या ये किसी और का देखा, मैं कहता हूँ यार ये तो फलां मुकदमे में लग सकता है, यार मैं फलां के अंदर बीच में अगर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक गिफ्ट के ऊपर मैं फंसा हुआ था, इन्हें तो कह देता कि गिफ्ट दी, जब तक डिटेल्स नहीं बीच में दी हुई तो वो खारिज हो जाएगा मुकदमा जो हम यहाँ पे करते रहे। सौ बिस्मिल्लाह मैं जाकर पता करूँगा बिल, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावों में मेरी चीखें नहीं कर रही थी तो पता चला कि वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई है कि जब तक बैलेंस अमाउंट नहीं जमा करवाएंगे पहली तारीख के ऊपर तो दावा खारिज है। कहाँ पे उसने मुझे आगे जुट लगाया हुआ था, कहाँ पे मुझे वो जजमेंट मिल गई, मैंने वो जाके 7-11 की एप्लीकेशन साथ दे के जमा कराई थी खारिज करो, तो जहाँ पे मेरी जो चीखें निकली हुई थी एविडेंस के अंदर दूसरी की निकल गई, तो सिविल जज को जाके जब सिविल जज को कहो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सिविल जज पर एक सेकंड के लिए तो रुक जाए। मामला तो ये है कि इस तरीके से वकालत आप बीच में करते हो, और ये आपका अंदाज होना चाहिए, और ये रजिस्टर वगैरह बनाने का यही फायदा है। अभी मैं बार बार रजिस्टर रजिस्टर कर रहा हूँ, रजिस्टर चीज की है, रजिस्टर है ये ABC टेलीफोन वाली जो डायरी नहीं होती, ये अगर आप मेरी फॉर एग्जाम्पल देखें तो ये अब्बा जी की भी मेरी 2-3 की है, मेरी भी ये ABCD वाले नहीं होते रजिस्टर साइड के ऊपर, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं काफी पुराना मेरा बीच में, अब तो मैं ऑनलाइन ही सारी की सारी चीजें करता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। टी के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हुआ, हर मुकदमे को एक एक सफे के ऊपर मैंने उतार के रखा हुआ है, एक एक सफा कह रहा हूँ, एक एक जुमले को, अगर आप अपना मुकदमा एक जुमले में बयान नहीं कर सकते आप विनिंग। अच्छा वकील वो है जिसको पता हो कि मेरा नुक्ता क्या है, आपको अगर नहीं पता किसी को कैसे पता चलेगा। अब ये भी कोई खुदाई पावर नहीं होती है, जादू ही नहीं होती कि जी आपको एक जुमले में है, ये एक्सरसाइज करना पड़ता है। 50 सफे का फैसला पड़ा, वो नुक्ता किएगा इसके अंदर एक जुमले में, ये मेरी एक्सरसाइज हो रही है, ये मैंने सारी वर्जिश की हुई है भाई, ये जितने के जितने सारे ये लिखे हुए हैं मैंने, ये मुकदमे ज्यादातर पड़े हुए हैं या उनके अंदर जिक्र किया हुआ, एक तो इन सारों में से मैंने पढ़ा हुआ, उधर से मुझे बाकी भी मिल गए कि भाई इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट थी, और साथ मैंने जब इसको एक जुमले में अखज किया तो मेरी अबिलिटी टू कम टू द पॉइंट डेवलप हो रही है। कहानी नहीं, नुक्ते पे आओ कि इससे क्या बात पता चल रही है। यहाँ पे के टैक्स और पहला वाला लिखा हुआ टी के साथ, टैक्स वर्सेस फी 2000 CLC 170, उसके अंदर लिखा हुआ था 2003 SCMR का भी मुझे पता चल गया, उसके अंदर उसने जजमेंट के ऊपर लाइक किया हुआ था, तो मैंने वो यहाँ पे दोनों सामने ली, और SCLC पढ़ते पढ़ते उसने किसी और ने काम किया हुआ था SCMR के ऊपर, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट मिल गई, मेरा काम हो गया। अब मैं SCMR पढ़ूंगा, 5 और मुझे मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप आपस में जोड़ के करते हैं, अदरवाइज बड़ा आसान तरीका है कि मेरा एक मुकदमा था उसके अंदर मैंने नोट बना के टैक्स वर्सेस जजमेंट निकाली चला गया, बट अब हो सकता है कि मैं कभी FBR का भी वकील बन जाऊं और इसका मैंने तोड़ निकालना और मैं दूसरी साइड से बीच में करना चाहूं, तो अगर इसके इसके खिलाफ कोई है जजमेंट तो मैं आगे लिख देता हूं CF इसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंटम इसके खिलाफ अगर कोई जजमेंट मिली है, ताकि आइंदा मुझे ढूंढनी ना पड़े। मैं अपने फेवर में जजमेंट ढूंढ रहा हूं तो मुझे 5 अगर अपने खिलाफ जजमेंट मिली है तो मैं वो लिख लेता हूं भाई कागज पे, चाहे इसी केस के अंदर मुझे उसका तोड़ निकालना पड़े, दूसरी पार्टी तो उठा के ला सकती है, वो भी बड़ी लिखी हो सकती है। तो बात ये है कि ये चीजें, ये एक्सरसाइज आपको वकील बनाती हैं, आपका दिमाग चलाती रहती है, केसेस नहीं भी आ रहे थे तुम वकील बन रहे होंगे अगर तुम पढ़ रहे हो, और पढ़ने का फिर कहते हैं बाबा जी मुझे हर दफा कहते हैं कि मैंने सबसे पढ़ा, मैं हर दफा ये कहता हूँ मेरे वालिद ने, मैं अच्छा वकील इसलिए बना कि मेरे वालिद ने मेरे ऊपर एक रहम किया,
कि मैंने उनसे जब भी कोई सवाल किया उन्होंने कहा जा खुद देख। उन्होंने मेरी एक दफा नहीं मदद की मेरे अब्बा जी ने, लिटरली, और मैं मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने बल्कि मेरी बेइज्जती की है, तेनू नहीं आंदा, जाके नहीं पढ़ सकता। और वो ये है, ये चीज आपको अपने पे करनी चाहिए। करने के लिए तो आप मुझे उठ के ये कह सकते हैं मोहम्मद भाई अपने रिजर्वेशन की कॉपी मैंने दे दो या ये करके, तो पर वो मैं आपके ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा हूँ अगर मैंने आपको ये सारी सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी। बात तो ये है, और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, आप फेसबुक के अंदर भी ग्रेट केसेस आपको मिलेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिनके अंदर जजमेंट साइट हो रही होती है। ये आप पढ़ो तो सही भाई, कई दफा तो हेड नोट्स ही गलत होते हैं, बेशुमार होती हैं। मैं फिर भी पकड़ के, वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा कि मैं उनको किस तरीके से अपडेट करके, मैं रजिस्टर मैंने ऑनलाइन भी बनाया हुआ है और उसका क्या हो रहा है वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। बट अभी पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेहरबानी करके ABCD वाला रजिस्टर खरीदो, और उसके अंदर आपकी वकालत की जिंदगी में जो चीज आपने करनी है लिखी जाओ, मगर 12-12 सफे नहीं। मेरे चंद एसोसिएट इस तरीके से वेले होते हैं कि पोटेशन 4 सफे की है, मैं कहता हूँ नोट्स बना के लाओ, तो वो 8 सफे के बना के ले आते हैं। उसका मतलब है तुम वकील नहीं हो, तुम्हें समझ ही नहीं आती। वकील वो है जिसको पता चले नुक्ता क्या है और मैंने किस चीज के ऊपर जीतना है, इसकी कमजोरी क्या है और उसको मैंने किस करना है। सैयद अली जफर साहब को मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, मानवी वालन जफर के अंदर मैं उनके साथ 3 साल काम किया है। अली साहब ने भी वालद साहब की तरह मुझे बैठ कभी कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसे मुजफ्फर साहब के बेटे हैं, मगर उन्होंने उनकी एक जबरदस्त चीज की, उनके पास से मुझे दिन में मैंने 18-18 केसेस किए हैं सिविल कोर्ट की, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरा, अली साहब को मैंने, अली जफर साहब को मुकदमे की तैयारी करते हुए देखा, उन्होंने इतनी मोटी सुप्रीम कोर्ट की फाइल है, और ये मैंने असिम जफर साहब जो उनके वालिद हैं जो कि अल्लाह को लंबी उम्र दे, उनसे सीखा, 1 सफे के ऊपर मुकदमा, 5 पेज पे क्या चीज है, नुकते क्या, 1, 2, 3, 4, जज ने मेरे खिलाफ किया 1, 2, 3, इसका जवाब किया है, आगे जजमेंट 1, 2, ये सारे के सारे, सारा केस एस एम जफर साहब की खूबसूरती और उनका ये है कि फाइल वगैरह के अंदर नहीं, वो सारे के सारे पढ़ते डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस इतना हो गया वो, मगर उनको सारी चीजों का पता होता है कौन सी कहाँ पे, एक दफा जुबान उनकी नहीं अकलाती। और यही तरीका है जीनियस वकील बनने का। और ये चीजें एस एम जफर साहब ने 75 मुकदमे किए हैं, बट उन्होंने रजिस्टर भी बनाया हुआ, उन्होंने मुकदमे भी दिए तैयार किए, तो ये एबिलिटी आपने अपनी डेवलप करनी है। ये सारे वीडियोस वगैरह और भी बीच में बने हुए हैं, एक तो 2-3 वीडियोस आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने चाहिए, और भी हाउ टू रीड लॉ बुक्स, हाउ टू उसको कहते हैं आपको फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला भी लगाओ, हाउ टू रीड जजमेंट्स इन लॉ जर्नल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इसकी स्लाइड्स वगैरह भी हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोज भी मौजूद है कि आप इसमें से नुक्ता कैसे अखज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कि अगर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, इस पर हमने लॉ ऑफ प्रेसिडेंट का एक लेक्चर देना है, मैंने अपने दोस्त असम यूसुफ शाह साहब से कहा कि वो आपके लेक्चर देंगे सारे, मैं नहीं दे सकता, इसका भी लेक्चर ऑनलाइन मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके खिलाफ आ गई है, अब उससे बाहर कैसे निकल, अगर करके आप कह सकते हैं कि मेरे केस के ऊपर तो ये लागू ही होती, मेरे फैक्ट्स फर्क है, आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये 3 जजेस की जजमेंट है, मेरे पास 5 है, या आप कह सकते हैं मेरे पास ये 3 जजेस की 1980 की जजमेंट है, मेरे पास लेटेस्ट जजमेंट है 3 जजेस की 2003 की, रजिस्टर होएगा तो पता चलेगा ना, अदरवाइज तो तुम कह रहे हो, काफ़ी बंदे कहते हैं यार मैं हार गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, बट बात यह है कि कोई ना कोई चीज़ होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें मेरी कमी और शायद मेरे वालिद साहब की, और जस्टिस शाहिद वहीद साहब बहुत थोड़े से मुश्किल जज हैं और बहुत अजीब जज हैं, कानून जानते हैं। मैं गया जी एक मुकदमे के ऊपर, मैंने कहा जी मेरे पास ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 100% है मेरा, मैं तो जीत गया बीच में सारे का सारा, 12-2 का केस था, 12-2 CPC का। मैंने जी मैं 100% जीत गया, तो मैं कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट से उठा के ले गया, तो शायद वहीद साहब मुझे कहते हैं लेटेस्ट जजमेंट का है, मैंने जी मेरे पास 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट का है क्या, कि नहीं हमारे काउंसिल जाएंगे आप लेटेस्ट जजमेंट। मैं दफ्तर वापस आया था, बट मैं गया कि जज जी भी कहते हैं लेटेस्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट्स काफ़ी नहीं है,
उन्होंने नहीं, वो काबिल जज है, उसने कहा ना कोई लेटेस्ट जजमेंट है तो सही, उसको कहते सही कह रहा हूँ। मैंने जाके देखा तो साकिब निसार साहब की एक जजमेंट थी, उन्होंने व्यू सारे का सारा उल्टा कर दिया हुआ था। वहां पे मेरी टांगों में से बीच में आवाज निकल गई कि हैं मारे गए। और अब्बा जी का देखिए, जो जज है हाईकोर्ट का और उसने भी अपना किया हुआ था, वो अभी भी फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आर्ग्यू किया है शायद वही साहब के पास, उन्होंने 15 आर्टिकल से कह दिया इस पे ये जजमेंट है जुल्ला साहब की, मेरे ख्याल में एक जजमेंट है ये है कि उसको क्या जरूरत है, वो तो हाईकोर्ट का जज बन गया, उससे ज्यादा आगे उसने क्या बनना, उसको क्या जरूरत है तैयारी करने की। उनको पता है साकिब निसार साहब के पास अभी भी रजिस्टर है, वो अगर कर सकते हैं, आपका ख्याल है कि आप नहीं करेंगे और आप हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। सो इम्पॉर्टेंट चीज मैं ये बता रहा हूँ, शाहिद वहीद साहब का जो बड़ापना मेरा बचपना ये है था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी यही काफ़ी है, वो अप टू डेट थे, मैं नहीं था, वो हाईकोर्ट का जज है मैं नहीं हूँ। और वो इसके ऊपर असल में यही इश्यूज हैं जिसके साथ जो आप टॉप के ऊपर जाते हैं, बैठने के ऊपर तो मैं भी बीच में बार के अंदर जाके बोल सकता हूँ कि बंदा यार कि नई जजमेंट का पूछ रहा जी ये सारे का सारा, बट नई जजमेंट का मसला है, अप टू डेट नहीं रहोगे तो बेले। So, फिर ये कह रहा हूँ, और खास तौर पे एक चीज आप ये देख लो यार, आपके पास जो मुकदमा आता है वो पहली दफा नहीं आता, या तो होना कि आप पहले बनी ना इंसान के अंदर ये और आपका क्लाइंट भी पहले टाइप का, उस तरह किसी ना किसी ने का हुआ होगा। और आजकल के दिनों में आपको जजमेंट मिल जाएगी जिसके अंदर आपका सवाल जवाब आपको मिल जाएगा, एक ही नोयत के मुकदमे आसपास चल रहे होते हैं, एक ही नोयत की चीजें होते हैं, इलेक्शन का सीजन आता है, इलेक्शन पिटिशन होते हैं, इलेक्शन पिटिशन का कानून अगर नहीं पड़ा होगा तो बड़े बड़े मोहम्मद खान साहब की एक पिटिशन इस चीज के ऊपर हुई कि फलान जजमेंट है खारिज हुई है, मेरी भी हुई है उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई थी जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि कोर्ट कमिश्नर का ठप्पा लगेगा तो इलेक्शन पिटिशन वैलिड होगी, अगर नहीं ठप्पा लगेगा तो इलेक्शन पिटिशन खारिज, चाहे उसी उसके अंदर 172 चीजें आपने लिखी हो कि फलान बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, डिस्क्वालिफाइड था, ये था। इस्तेमाल किया वो, और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, रिटन स्टेटमेंट्स वगैरह में नहीं होती। शायद जमील साहब की लेटेस्ट जजमेंट आई है, इसके ऊपर हम अलहदा बीच में बैठ के बात कर लेंगे, बट ये उन्होंने ये लिख दिया हुआ है पाकिस्तान के, ये पंजाब के अंदर ये तरीका नहीं था, सिंध के अंदर था, कि वो लिखता है कि ही वॉज रिकग्नाइज बाई मी, फला फला बंदा अपेयर्ड बिफोर मी, आइडेंटिफाइड बाई मी, उस हद तक आप दुरुस्त कह रहे हैं। और वो अगर साकिब साहब की जज, लेकिन सर अगर आपका ये ख्याल है वो भी मुकम्मल तौर पे गलत है। अब तो वो कोर्ट ने इस नुक्ते पे भी एक डेढ़ पटिशन उड़ाई है कि ये ठप्पा क्यों है, तो उसको अपने हाथ से लिखना चाहिए ओके मेरे सामने पेर हुआ है। वो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये लगता है कि साइक्लो स्टाइल है कि बैठ के हमें नाम भर देते हैं, ना चेक करते हैं और ये कर देते हैं, यहाँ तक ये बीच में चीजें वगैरह हैं। आप अप टू डेट अपने आप को रखेंगे तो होगा। खैर ये इसके ऊपर काफी चीज वगैरह गुफ्तगु हो गई, पहला तो मैंने आप तमाम दोस्तों को दिखा दिया कि रजिस्टर कैसे बनता है, दूसरी आप यहाँ पे मेहरबानी करके जजमेंट्स देखेंगे, एक एक आप तमाम दोस्तों के लिए इससे ताल्लुक तो नहीं रखता, एक वीडियो जरूर देखिएगा कि वकालत के पहले 5 साल आपने किस तरीके से सेटअप करने, किस नौयत के चेंबर में जाना है, किस नौयत की वकालत आपने बीच में उसके ऊपर फोकस करना है, अगर आपकी फैमिली में कोई वकील है तो उसके साथ शुरू में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्लाइंट कैसे हासिल करने, क्या आपको किसी एरिया के अंदर स्पेशलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे आपका सिफारिश के साथ जाएं, कहाँ पे जाएं, ट्रायल कोर्ट में जाएं, बड़े चेंबर में जाएं, छोटे चेंबर में जाएं, सियासी चेंबर में जाएं, ये सारी चीज़ें डिटेल में बात की हुई, वीडियो ये ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, हाउ टू डू डीपर रिसर्च, 3-4 आपके हैं पाकिस्तान में, अगर आपको अथॉरिटीज नहीं मिल रही तो जो बड़े वकील हैं वो AIR के ऊपर रिलाई करते हैं, कोई AIR बता सकता है क्या बोला रिपोर्ट आर के अंदर आपको इंडिया में बहुत हमारे से बेहतर किस्म की लॉ डेवलप हुआ, वो आपको AIR में से बहुत मिल जाए,
हॉल्सबरी लॉ और अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस का तो शशका ही है, वो फिर भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत कवर कर लिया कि कैसे कर सकते हैं। बहुत ही कोई बड़ा मुकदमा आया वो आपको शायद इब्तदा में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ भी ज़रा देख लीजिए, इब्तदा में जो आपकी वकालत है AIR और उसके अंदर आपको खेलने की अभी ज़रूरत ही नहीं है। हाईकोर्ट के लेवल पर शायद नहीं इंडिया आप क्या ये हॉल्सबरी में ये लिखा हुआ उन्होंने कहा पाकिस्तान में चाहिए उन्होंने जो हॉल्सबरी अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में ये लिखा हुआ वकील साहब हम लॉ इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की का क्या व्यू है, पाकिस्तान का कानून के ऊपर फोकस करें। मेरा ऊपर जब रिट्स वगैरह में और दूसरी चीज़ों में आप जाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों पे निसार होता है, तो पहले PLD खरीदें पाकिस्तान अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस और वो वाली किताबें बाद में खरीदें। सो ये देख लीजिए, इसके साथ साथ बुक्स टू इम्प्रूव यू इन द लीगल प्रोफेशन उसके बारे में है मुख्तलिफ लॉग करके। अब आपको मैंने बेसिकली दो चीज़ें दिखानी है, आपके पास मोबाइल्स पड़े हैं आपको नहीं पता 1947 में बोल गया मैं, मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर ही है बीच में सारे का सारे। ये और दूसरा वकील का मेरा उस्ताद मुझे बहुत कहा करता था ऑक्सफोर्ड में, मैंने बीच में जब पढ़ा कि बोलने से पहले सोच लिया करो। नहीं मैं आपको वैसे नहीं कह रहा बट बाद में आपको ये बता रहा हूँ और मेरे में बहुत गलती थी और शायद अभी भी हो जाती है कि मैं फिर बाद में कहता मैं की कह देता यार है कह देता तो जा साइड पे चला गया। हर चीज को जो अच्छा वकील है वो नाप तोल के बोलता है। आपने जज के ऊपर 175 चीजें लगा दी, कई दफा मैं खुद पोंगिया मार के ज्यादा बोल जाता हूँ तो जज उसी नुकते के ऊपर किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। मैंने की जरूरत है किसी मैंने रिलीफ दे रहा है नहीं जी हमने ए भी इस तरीके से अच्छा मालिक साहब इस पर तो ये जजमेंट नहीं है। मैं कहा जी मेरा केस तो ये है उस मैं खुद ही करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता हूँ क्या नहीं कहना, वो भी इम्पोर्टेंट है वो भी एबिलिटी है जज को लिखवाना अपने फेवर में, मजमून नहीं लिखवाना, जज से अपने फेवर में रिलीफ हासिल करनी है एक नुकते पर जिससे आपका ये होगा। ये चीज़ है एबिलिटी, आपको उधर से पता चलेंगी कि केस लॉस है। आपने अपने मोबाइल्स खोलिए और इसके अंदर एप्पल्स किसके पास है और एंड्रॉयड एप्पल किसी के पास है, आप फिर अपने वो दूसरे वाले स्टोर पे जाओ बाकी जितने हैं एंड्रॉयड का प्ले स्टोर पे जब खोलिए और इस पे गूगल शीट्स खोले। सारों का एक आई गेस जीमेल का अकाउंट तो होगा, गूगल शीट्स खोले प्ले स्टोर में गूगल शीट्स लिखे मैडम चली जाती है तो इसमें मैं इस्तीफा करूंगा। नहीं मैं और भी मैडम बैठी हूँ, मैं कहती हूँ गूगल शीट्स ना खोल लेना शीट्स ही खोल लेना। हाँ मैं वजह बताता हूँ और नहीं जी सवाल ही पैदा होता है मैं पागल मैं असल में जो खजाना है मैं छुपा के रखा हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं, आपको तो मैं ABC सुना रहा हूँ, असल में तो जो एडवांस फॉर्मूले हैं मैं मैनू की पई हुई है कि मैं अपने आप को खराब कर यार। गूगल शीट्स खोल लीजिए ना जी, लगता है आप सारों ने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ तो मेरा भी नहीं बीच में चल रहा बह गया था सारा। हाँ यार मैं बताना नहीं चाहता आपको, बीच में आकर मेरा भी बैठ जाएगा बीच में ही सारे के साथ। और नेट ही बह गया यार ऑनलाइन रिसर्च करने के। sheets.google.com sorry sheets.google.com
चलो अभी इसके ऊपर कर रहे हैं, उम्मीद है कि चल रहे हैं। हाँ ये जी सबज ये वाली जो है ना ये इंस्टॉल करो अपने मोबाइल में, अगर नेट चल जाए तो मैं आपको दिखा सकूंगा कि इसका क्या फायदा है। यार अभी सॉरी ये बीच में बैठा हुआ है। खैर बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद हैं ये करने के लिए। गूगल शीट्स एक मोबाइल के अंदर डिवाइस है, इसका फ़ायदा ये है कि एक डॉक्यूमेंट आप बना लेते हैं अथॉरिटीज़ का, आप रजिस्टर ऑनलाइन। फ़ायदा इसका ये है कि मैं ये वाली चीज़ मेरे लैपटॉप के अंदर भी मौजूद है, और अभी एक सेकेंड खुल जाता था यार, मुझे डर बड़ा लगता है ऑनलाइन के ऊपर कोई गर्लफ्रेंड ही ना कोई आया हो बीच में, इसके अंदर मैसेज वगैरह तुम सारों के सामने ही ना पकड़ के महलो डाल लेंगे कि ये वो सारेगा सर। तो इस वास्ते मैं बड़ा डरते डरते खोल रहा हूँ। हाँ तो करो ना यार बीच में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक सेकेंड। हाँ ये बोल, हाँ सारे का सारा खोल के मैं बीच में सारों को तो पता नहीं। तो खैर अगर ये खुल जाता तो मैं आप तमाम दोस्तों को बीच में बता दूंगा। देखो इसका गूगल शीट्स की जो आप एप्लीकेशन है ना, आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लो, अगर आपका गूगल का अकाउंट है उसके साथ लिंक हो जाए। फायदा क्या है गूगल शीट्स का कि उसकी एक स्प्रेडशीट है, उसके अंदर आप एक अपना अथॉरिटीज का रजिस्टर बनाए, एक फाइल बनाएंगे, अथॉरिटीज का नाम रख लो या साइटेशन रख लो जो भी। फायदा क्या है कि मैं अगर हाईकोर्ट में बैठा हुआ ना और एक कोई मुकदमा हो रहा है, उसके अंदर वो कहता है 2005 SEMR पेज 1 इस नुक्ते के ऊपर है मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन पे, तो मैं लिखूंगा मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन 2005 SEMR पेज 1, वो गूगल शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं उसको अपने मोबाइल से भी देख सकता हूँ, घर में मेरे लैपटॉप पे भी अपडेट हो जाएगा, मेरे घर वाले कंप्यूटर के ऊपर भी अपडेट हो जाएगा, और दफ्तर में भी हो जाएगा, और मैं अगर छापना भी चाहूँ तो वो छाप के भी सारा आ जाएगा। ये चीज़ ऑनलाइन रजिस्टर का फायदा ये है, आप फेसबुक देख रहे हैं या व्हाट्सएप देख रहे हैं, किसी ने जजमेंट शेयर किया है, कॉपी करो एक जुमले में पेस्ट करो यहाँ पे, और वो सारी की सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। सो आपका ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपका रजिस्टर सिर्फ एक जगह पे, और मेरा रजिस्टर गुम भी अब इस हद तक हो गया कि मैं अपना रजिस्टर अब अपडेट नहीं करता हाथ से बैठ के। मैं मेरा ज़्यादातर ऑनलाइन के ऊपर मैंने बीच में रखा हुआ, जो जजमेंट है मैं डालता ज़रूर हूँ बट वो ऑनलाइन पे डालता हूँ। उसका फायदा क्या है कि रजिस्टर गुम भी जाए तो मैंने उनको फर्क पड़ता, ऑनलाइन वहां पे मौजूद है, कभी कभार मैं वैसे भी बैकअप कर लेता हूँ, मैं घर पे भी देख सकता हूँ, मैं किसी के लैपटॉप पे भी देख सकता हूँ, और वैसे और अगर रजिस्टर के अंदर मैं लिख लूँ या कागज के ऊपर कर लूँ तो वो सारे का सारा मवाद मुझे अवेलेबल होगा। इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, के आपका डॉक्यूमेंट आसमान के अंदर होता है, उसको आप किसी जगह से भी बदल सकते हैं, घर पे भी बदल सकते हैं, इधर भी, रजिस्टर तो एक ही जगह पे होगा ना। तो रात को अगर मैं 2 बजे तैयारी कर रहा हूँ यार ये वाला नुक्ता है, तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, वो आपका मोबाइल इस चीज़ के लिए जादुई चीज़ है, वो अगर आप करें तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है ये इसके ऊपर देख लीजिए। अब दूसरा चीज़ आपके सामने मैंने ये आपको चेक करानी है, एक तो है मैन्युअल यानी कि हाथ से, एक है कंप्यूटर के ऊपर। ये खुली नहीं रहा यार, कोई बंदा बैठा हुआ यार, कोई मेरा इंटरनेट ही चलवा दो यार। कार्ड्स के अलावा और कौन सा वाला है? हाँ वो 1122 अच्छा एक मिनट ठीक, पासवर्ड चेंज कर, क्या नाम है? पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ, वो लगाए तेज चल, बताइए HC वाईफाई ना, मैं नाम चेंज करने लगा। नहीं वैसे ही बता देना, मैं पासवर्ड बता देता हूँ, 1122 3 4। देखते हैं चलता है कि नहीं, अगर चल जाता है तो आप खोल नहीं रहा तुम्हारा। खैर देखते हैं चलता है कि नहीं। हाँ चल गया। पता नहीं यार, हाँ आ गया ये देखें।
ये सारी की सारी मेरी जितनी जजमेंट्स हैं, और देखिए मैंने किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं, सारे एक एक सफ़े पे लिखा हुआ है, एक एक जुमला सिर्फ, और उसके सामने जितनी जजमेंट्स हैं कॉपी पेस्ट भी अगर करनी पड़े तो ये कर दो। और ये देखो, ये मैं ये चीज़ अपने मैं मोबाइल से भी खोल सकता हूँ। डाउन साइड इसका नुकसान ये है कि अगर नेट नहीं चल जाए तो मैं बेला, इसलिए मेरे पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं हाथ से कर सकूँ। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन मेरे पास, ये मैंने आई थिंक 5000 तक तो हूँ मैं शायद, एंड और ये जजमेंट कई मैंने कॉपी पेस्ट की हुई है इसमें से, बट और किसी ने अगर रिसर्च की हुई है हर नुक्ते के ऊपर जमा करके। और क्या है एरिया कौन सा है, एविडेंस लॉ, सेकेंडरी एविडेंस, उसके ऊपर ये जजमेंट ये सामने लगी हुई है। और इसको जाके मैं देख लूंगा जितनी मेरी मुशक्कत की हुई है, ये सारी मैंने पंचायत किया है, फैमिली लॉ किया। हाँ, दूसरा इसका फायदा ये है, वो भी आपको तो तमाम दोस्तों को बता दूं कि दूसरा इसका फायदा ये इसके अंदर करने का ये है, सर्च आप कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्शन पिटिशन, मैंने देखना अगर मैंने वेरिफिकेशन लिखा है, साइनिंग वेरिफिकेशन, ये भी आ गया। और भी मेरी जितनी मैंने चीज़ें लिख के लगाई हुई हैं, मोड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन 2016 SEMR, ये ऊपर देखिए मैंने जो वर्ड आपने लिखा हुआ इस्तेमाल किया हुआ आप लिखें तो यू कैन सर्च हर जगह। यही चीज़, चलो ये सारी की सारी चल रही है यहाँ पे, आपको एंड में मैं जाके दिखाता हूँ सारे के सारे हैं। कोई एक क्या मतलब कॉपी पेस्ट करना और नहीं, यह टाइप करना होता है, अगर कहीं से मिल रहा है तो कॉपी पेस्ट कर लो, गोंद के साथ नहीं टाइप करके। कई बंदा होएगा कि की करे ऐसी, मैं मोबाइल तो पाड़ के ना, मैं चेपी लगाई जा रहे थे मोहम्मद साहब ने क्या सी के जी कॉपी पेस्ट करना था, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा। अच्छा, अब ये चेक एक चीज आपको ये दिखा रही, ये वाली जो जजमेंट है ना, ये चेक करो, मैं कर रहा हूँ अपने इसके अंदर मोबाइल के अंदर, ये जो साइटेशन है यही चीज मेरे मोबाइल पे मैंने खोली हुई है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैठे बैठे मुझे जजमेंट पता चली है कि हदूद लॉज या कौन सी वाली, कोई एक नुक्ता देख लेते हैं यार, पर्दा नशीन लेडी, हाँ पर्दा नशीन लेडी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, यहाँ पे करके, क्योंकि पर्दा नशीन लेडी को यहाँ पे हमारे कानून ने उठा के इधर बीच में रख दिया हुआ है। आपने बीच में उसके अंदर कोई दावा, 25 साल पुराना आपका कोई है प्रॉपर्टी वगैरह, उसको आपने चैलेंज करना है, आपने जादुई अल्फाज इस्तेमाल करना है, वो जी बीबी पर्दा नशीन लेडी थी, तो उन्होंने तो पता ही नहीं हैगा सी की हो रहा है सारे का सारा, और आप 25 साल पुरानी जमीन उप चुक के आपकी वो पर्दा नशीन लेडी को पकड़ा देते हैं। क्या बेगम देख लगे कहेगी पर्दे वाली है, मैं तेनों देखा भी नहीं और पर्दे तो ना लेडी से मैं कहड़ी ओनू के नॉन पर्दा नशीन अगर लिखा होता तो फिर तेरी बेगम नु जिक्र करने की जरूरत है करके ना। सेकंड इसको कहते हैं सेकंड टाइम की, मैं लिख रहा हूं इधर इधर चेक करो, पर्दा नशीन लेडी मोबाइल पे मैंने अपने यहाँ पे ऐड किए थे, उधर आ गए और मेरे घर वाले कंप्यूटर पे भी आ गया। और मैंने इसके ऊपर जो जजमेंट थी पर्दा नशीन लेडी के ऊपर, इस किताब में मैंने देखी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, PLD 2020 3P8। अब देख वहां पे मैंने टाइप करते हुए ना गलती कर दी, PLS लिख दिया, PLD लिखना था। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे बैठ के इसको ठीक कर लेता हूँ और वो मेरे मोबाइल में भी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो एक रजिस्टर से बेहतर ये वाली चीज़ करने का ये आपका जादुई नेट का तरीका है, अपना रजिस्टर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा। वैसे इब्तदा के अंदर आप बेशक हाथ से बनाएं, हाथ से लिखी हुई चीज़ आसानी से आ जाती, मेरी नज़दीक तो दोनों करें। मैं हर 6 महीने के बाद बैठ के
दोनों को आपस में कंपेयर भी कर लेता हूँ। अगर मैं किताब किताबचे वगैरह अगर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो अमूमन नेट से उतार रहा हूँ तो इस पर डाल लेता हूँ। अगर किताबें खुली हुई हैं तो रजिस्टर के ऊपर लिखने का मुझे इवन अदरवाइज शौक है, उस पर ज़्यादा आपको फील होती है कि तुझे कोई अचीवमेंट की थी। कॉपी पेस्ट करने के ऊपर तो आप 75 उठा के इधर से नकल उतार के उधर करने उधर से इधर करने। आप मुझे एक सेकेंड देंगे जरा। हेलो, वाले साहब से झाड़ पड़ने लगे बात कर। जी जी वो अंडरटेकिंग वो है पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग अगर बेची जाए तो उसके लिए है। मैं वही आपको अभी एक सामने ही खुला हुआ है, मैं उसके ऊपर ही चेक कर रहा हूँ। मैं आके आपको चेक कर देता हूँ। थैंक यू। अब मेरे अब्बा जी मेरे से पूछ रहे थे, वालिद साहब स्कीम साहब बीच में मलिक साहब कॉल कर रहे थे कि यार, और ये देख ये अब्बा जी माशाल्लाह 75 से ज़्यादा है, मुझे कह रहे थे यार मामा जी यार वो कि उसको कहते हैं वो लिखा हुआ ना कंपनी ऑर्डिनेंस के अंदर कि अंडरटेकिंग जो है उसके उसको अगर बेचना चाहे कोई कंपनी तो जनरल तो जनरल रखे इसको कहते हैं हाउस की मीटिंग होनी चाहिए और ये वो केड़ी जजमेंट है। मैं मेरे सामने ये था, मैंने इसमें खोलने की कोशिश ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली, अभी जाके चेक करूँगा। मैंने इसके अंदर नोट नहीं नोट किए, मैंने केस किया हुआ इसके ऊपर और मुझे मालूम है। बताना आपके सामने फ़ोन के ऊपर कॉल भी ये लिए कि वो अभी भी कानून कर रहे हैं, शौक से आए हो घुटने नहीं चलते सही तरीके से। उनके घुटनों को तालियां बजा रहे हैं और मैं तुम्हें बता रही है देखो वकालत का बड़ा पन। और ये है कि मेरे अब्बा जी जब उनका मुकदमा जिस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा होता उनकी तबीयत खराब हो रही होती है और जिस लगा होता है वो दफ्तर आ रहे होते हैं। जिस अब दो हफ्ते अगर केसेस ना लगे छुट्टियों में या कोरोना के अंदर लिटरली कोर्ट नहीं आते थे तो अजाब था, उनकी तबीयत बिस्तर से नहीं निकली जाती थी। मगर वकील की आपका प्रोफेशन एक्चुअली आपका एक लेवल के ऊपर इश्क होता है, अपनी बीवी से भी बीवी बच्चों से ज़्यादा भी आप करते हैं क्योंकि इसको टाइम और डेडिकेट करते हैं। बीवी बच्चों के पास भी बैठे होते हैं तो आप अपने जहन के अंदर अपने मुकदमे का सोच रहे होते हैं और अच्छे वकील के अंदर ये होता है। आई मीन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने रति जना से लव मैरिज थी राइट, एंड किया हुआ फेल अपार्ट राइट। ये आपके ये आपकी लिटरली फर्स्ट वाइफ बन जाता है ये प्रोफेशन अगर आप इसके अंदर प्रॉपरली डेडिकेटेड कर रहे होते हैं, बिकॉज आपका जहन उसके ऊपर ही होता है। मेरा सुबह मुकदमा लगा हुआ है, मैं नहीं मुस्कुरा के बीवी से मिल सकता, ना मैं बात कर सकता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ कि जी किधर जा रहे हैं, या मैं मुकदमा भी कर रहा हूँ कॉल करते हैं कि जी खाने पर जाना है या मुझे इधर से ले लेना, मैंने मेरे नाल की ताल्लुक कम करने दे, मैंने ऐ करने दो ये वगैरह, बिकॉज आपका ये सारा आपका जो है अपना जहन आपकी वकालत 90% आपके सर में। मुकदमा अगर मेरी तरह आप कमज़ोर हो बीच में कि आपसे नहीं प्रॉपरली आर्ग्यू किया जाता तो मैं उसकी तैयारी करके जाता हूँ अपने जहन में, जज ऐ पूछेगा तो मैं ऐ कहूँगा, ऐ पूछेगा तो ऐ कहूँगा, ऐ पूछेगा तो ऐ कहूँगा, ऐ फलां पूछ सकता है ये कर सकता है, मेरे जहन में सारे का सारा किया हुआ है और तैयारी है मेरे पास ताकि वो कोई पूछेगा तो मैं फिर हक लाऊँ ना। आप अपने आप को एक ज़्यादा सोच के अपने आप को कमज़ोर भी एक तरीके से कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सोच के सीधा सीधा मुकदमा चाहिए, यह भी पूछ लेगा, यह भी पूछ लेगा, यह भी कर लेगा, इस तरह भी इतना भी अपने पर प्रेशर नहीं डाला, लेकिन यू हैव टू बी रेडी इन योर माइंड। जो कमज़ोर मैं फिर कह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के अंदर एक तरीका आपका सक्सेस का ये होता है, आप किताबें वगैरह इस पर पढ़ेंगे कि यू इमेजिन योर सेल्फ सक्सीडिंग इन योर हेड कि जज मेरे से ये पूछेगा इस तरह करके होगा, और अमूमन वो चीज़ें उस तरीके से अगर आपने प्रोटेक्ट की हुई ये भी पूछ सकता है ये भी पूछ सकता है। माठा वकील वो होता है जो चैनल रिसर्च करके एक एक जजमेंट भी निकाल ली और वो एक गोली है लेकिन जज के अंदर नहीं है आगे बोलो। आप कहते नहीं मेरे पास तो 100% था वगैरह, जज मान ही नहीं रहा, मैं क्या कहूँ आगे करते हुए खारिज। आपने सोच के खेल के ये सारे की सारी चीज़ें वगैरह आई होती है, जज कोई ऐसी मूव कर देता जिसका आपके फरिश्तों को भी नहीं बीच में पता था, तो
आपकी हाजिर दिमाग, फॉर एग्जाम्पल ये किधर गया यार वो मेरे ख्याल अगेन जो तुमने आर्ग्यू किया था, इसको मैं इसलिए बीच में करके वाह वाह इसकी कर रहा था और अभी भी कर रहा था, मैंने इसको गुगली मारी तो एक हद तक मैंने सक्सीड किया, बट उसने आगे से मुकम्मल तौर पर जवाब दिया। और ये हाजिर दिमागी 20 साल के बाद नहीं आती कईयों को, बड़े बड़े आपको माठे वकील मिलेंगे काफी मुकदमे हों, मैं तो वही यार 2 मिनट में इसको चेक कर लेंगे इसका क्या मसला, ऐ क्या था वेला, ऐ क्या वेला। बड़े बड़े कॉर्पोरेट वकील जो हैं मेरे से ज्यादा जो कमाते हैं वेले, कोर्ट में आके मैं उंगलियों पर नचाता हूँ, क्योंकि मैंने काम किया उनके फरिश्तों को भी नहीं पता, उनकी डिग्री एम पी एच डी भी डॉक्टर करके आया हुआ है, तो बड़ी 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 पी एच डी भी उसके पास है, लेकिन अगर आपको सी पी सी आती है और उसने नहीं पढ़ी हुई तुम चित कर दोगे, तुम तो फलां ऑर्डर कह दोगे एप्लीकेबल नहीं भी होगा, किताब लेके आओ ना सी पी सी, ये सी पी सी नहीं सी पी, ये सी आर पी सी नहीं, ये पी सी लेके आओ, ये करके ना वहाँ पे हो रहा होता। तो आपने इन चीज़ों में भी खेलना होता है, समझा फिर ये राउंड आपके सामने, ये ऑनलाइन जो रजिस्टर है एक तो आपको ये बता दिया क्यों आप करेंगे, आपको आप इसमें मैंने बताइए कि मेहरबानी करके तैयार कीजिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। दूसरी चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसके ऊपर बेशुमार लोगों की वकालत चलती है, मैं अच्छा पाकिस्तान लॉ साइड के ऊपर जाने की, ये क्या कौन सी किताब है कोई बता सकता है, ये आपकी बाइबल है, इसके ऊपर अगर आपने पाकिस्तान के अंदर अगर आपने रिसर्च करनी है, आपके पास ये किताबें नहीं है, इनको आपने हाथ नहीं लगाया वो आप नहीं होती, ये क्या है पी एल डी क्या बुला इसमें क्या, और पी एल डी और इसमें क्या फर्क है, तो वो तो पी एल डी में भी होते हैं, स्टैट्यूट्स नहीं होते इसमें, ये उन पी एल डी के रिसालों के अंदर जो हेड नोट्स हैं उनका मजमू है, और इनके अंदर करने को तो आप पी एल डी भी छानना शुरू कर सकते हैं, सी एम आर भी छानना शुरू कर देते हैं, वकालत एक हद तक हेड नोट्स गलत चीज़ है मगर एक हद तक इम्पॉर्टेंट भी है कि इसके अंदर आप इब्तदा में अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ कवानीन और मुख्तलिफ एरियाज की हेडिंग्स दी हुई हैं, और उस साल में उसके बारे में जो भी जजमेंट आई है वो लिखी हुई है। आप लाइब्रेरी जाइए और अगर आपने रिट के अंदर देखना है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या जो चीज वगैरह भी, उसके ऊपर आप हर साल का वो डब्ल्यू वाला एडिशन या जो भी है, इसके 5 हिस्से हैं ये सारे के सारे रखे हुए, वो खोलें और रिट में परोलना शुरू कर दें। एक तरीका ये होता है कि रिट की किताब पकड़ लो और रिट की किताब के ऊपर उसके अंदर आर्टिकल 199 के नीचे जो कमेंट्री है वो पढ़ना शुरू कर दो, उसके लिए काका खेल अच्छी है, चंद आपको किताबें काफ़ी अच्छी मिलेंगी रिट में, मगर अप टू डेट वो नहीं होती, वो 15-15, 10-10 साल आउट ऑफ डेट होती है, नई जजमेंट्स आपको नहीं मिलती। तो अगर आप हाईकोर्ट में शायद वही के पास पेश हो रहे हो तो फिर ये परोल के जाओ, क्योंकि उसको नई वाली पता होगी, और उसको नई वाली इसलिए भी पता होगी कि वो जो आपसे मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ नए रिसाले पढ़ो, SCMR पढ़ो, मेरे नज़दीक अगर आपने पकड़ना है शायद SCMR से भी ज़्यादा, SCMR के अंदर ज़्यादातर सियासी आ रही होती हैं जजमेंट, 20 के अंदर से शायद 5 का होंगी आपकी आम तौर की वकालत, और ज़्यादातर बड़े बड़े वकीलों की होंगी, हमारी रोज़मर्रा की वकालत की आपको कम मिलती है, उसके लिए आप CLC वायर लॉ और आप पढ़ें सिविल लॉ केसेस, मंथली लॉ डाइजेस्ट MLD, वायर लॉ की डेली लॉ रिपोर्ट्स, ये चीज़ें अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े ज़बरदस्त हैं उसमें कॉर्पोरेट अगर आपने काम करना है बैंकिंग का CLD PLD के अंदर बड़ी बड़ी चुनकी ज़बरदस्त जजमेंट्स आती हैं, PLD के अगर आप शुमारे में आपकी किसी की जजमेंट आती है तो जज उसको ज़्यादा बड़ा कंसिडर करता है, बट मैं ज़्यादातर सियासी या जो ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं जनरल प्रिंसिपल्स पर इतनी ज़्यादा कम मिलती। आपको मैं तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि CLC और YLR आप अगर आप इब्तदा में देखें, बिकॉज उसमें शुफे का दावा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सादे सादे फौजदारी के लिए कौन सा एक अकेला शुमार है, PCRLJ वो पकड़ें, फौजदारी अगर करनी है उसके मुताबिक अगर लिस्ट नहीं बनाई हुई तो वे ले, कहाँ से पता चलेगा कौन सी जजमेंट है। सो फिर ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपकी रोजी रोटी से वाबस्ता है, वो आप अपडेट करते रहेंगे
अपने आप को पूछते रहेंगे कि अच्छा यार इन्हें टोके दनाल कीता है, ऐ है इसका डायरेक्ट फायर, इसको एट्रीब्यूट नहीं हो रहा था तो इसको ये यहाँ पे ये छूट मिल गई, इसको ये हो गई, वो फैक्ट्स आप वहां पे शायद एक जुमले से ज्यादा आपको लिखना पड़े। फौजदारी का मुझे उस दिन पूछ लेना चाहिए था बैरिस्टर सलमान सफदर से कि वो रजिस्टर कैसे मेंटेन करता है, मगर लिखोगे अपने कंप्यूटर में, इधर वाले में भी डालोगे, मेरा सारा कुछ कंप्यूटर पे नहीं डाला, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चीज नहीं आ रही है वो उसके लिए फिर आपने ये वाला कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ये वाली चीजें आपके लिए करना बहुत जरूरी है, राइट, ये करोगे तो फायदा होगा। खैर आप ये हो गया, अब देखते हैं पाकिस्तान लॉ साइट खुलती है कि नहीं। इसके अंदर ये जजमेंट्स तो आपको मैंने दिखा दी, वकील को एक स्टैनो भी होना चाहिए वैसे बाय द वे। अच्छा अब्बा जी मेरे स्टैनो के बगैर फंक्शन नहीं कर सकते, अभी भी एसोसिएट्स को बुलवा के टाइप वगैरह करवाते हैं, सामने बैठ के ये कर रहे होते हैं, उनके कंधे के ऊपर बैठ के जज रह चुके हैं, वो उनके स्टैनो वगैरह हुआ करते थे, मेरा उल्टा सिलसिला, मेरे हाथ से चीज गुजरती, वो मेरे से ज्यादा मुकदमे बुक कर सकते हैं, एक इसको डिक्टेशन दे दिए, एक इसको डिक्टेशन दे दिए अगर स्टैनो, बट मेरे नज़दीक आपको इब्तदा के अंदर सारी चीज़ें अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे बेदे हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना खुद करेंगे, दिस इज नॉट गुड एनफ के जी मैनु नहीं आता कंप्यूटर, कंप्यूटर के बगैर कोई गुजारा नहीं है, और आपको इन पेज भी आना चाहिए, इन पेज की चीज है, उर्दू का जो वर्ड प्रोसेसर वगैरह है वो भी आना चाहिए, अगर खासतौर पर आपने अगर मुफस्सिल के अंदर अगर आपकी प्रैक्टिस है और आप लॉर्ड से बाहर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उर्दू में आपकी सारी चीजें होनी है तो फिर इन पे अंग्रेज वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो नहीं लिखा जाने लगा। हाँ लगता कोई लग गया तो हो गई है, अभी कुछ चंद हफ्ते पहले तेरी या तेरी होने वाली, तभी तू पर्दा नशीन तू बीवी का पूछता है, तभी तुझे शादी के इस्तगासा इस्तगासा भी होता है इन पे। अच्छा नहीं अब यार ये पता नहीं फॉर सम रीजन ये पाकिस्तान लॉ साइट खुल नहीं रहा, और वही मेरा प्रूफ साबित करता है कि पाकिस्तान लॉ साइट अगर ना खुले तो वकालत ठप नहीं हो जानी चाहिए, मेरे पास मेरा रजिस्टर मौजूद है। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल अगर रिकॉर्डिंग ना हो, ये भी लैपटॉप लगाया हुआ, ये भी लगाया हुआ, वो भी कैमरा लगाया हुआ, वो भी कैमरा चल रहा है, वो सारी की सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि एक बंद हो जाए तो दूसरा वाला आपकी रोजी रोटी बंद ना हो जाए, आपकी आज की रिकॉर्डिंग ना हो, तो यू नीड टू हैव बैकअप्स। और वकालत किताबों वगैरह से अगर आप दूर भागते हो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किताबों से अगर आप दूर भागते हो तो फिर वकालत ना करूंगा। जब बात यह है अगर किताबें नहीं खोली, स्टैट्यूट अगर नहीं खोलना, वकील नहीं बनना, तुम्हें सवाल ही नहीं पैदा होता, किताबें पढ़ने की आदत नहीं है लड़के को। मुझे हर दफा पढ़ा होता था मलिक साहब, अब्बा जी जो मेरे हैं उनका ही ऐसा होता था कि जी अब्बा जी घर आके भी किताबा पढ़ देना, नॉवल जेम्स एटी चेस के, जेम्स बॉन्ड के, ये वो, मैं कहती हैं सारा दिन किताबें पढ़ते रहे और आके ये भी, किताबों का मुझे वैश की हद तक शौक है, बट एक ज़माना था जब मैंने बीच में छोड़ दिया था ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज में जब था यूनिवर्सिटी में कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, तो मैं अपने आप को बहुत कुंजन समझना, मैंने फील करना शुरू कर दिया। बात ये है और आपको मैं अभी आते कर रहे हैं, आज हमने जनरली बीच में सारी बात कर रहे हैं, जो आपके लिए स्लाइड्स बनानी थी वो वीडियोस तो मैंने तकरीबन सारे आपको ये दिखा दिए हैं, जहाँ पे अवेलेबल आप देख सकते हैं, बहुत आपको मवाद यहाँ पे मिलेगा, आप प्रैक्टिकल मिलेगा, ऐसे नहीं कहना आपके सामने ये इधर उधर की सारी बातें करने का, ये है कि ये आप जो आपके लवाजमात हैं आपके प्रोफेशन के, आपने अपनी जिंदगी को इस तरीके से बनाना है कि वकालत के जो लवाजमात हैं वो आपके बेहतर से बेहतर हों। निरी वकालत करने से वकालत आपकी नहीं आती, अगर बोलोगे नहीं दोस्तों के साथ तो जुबान नहीं चलेगी। अगर आप वॉलफ्लावर लोगों से अगर घुलो मिलोगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि फलां जगह से मुंडा बैठा हुआ है और वकील है और मैंने उसको केस देना है, ठीक है। नजर अगर नहीं आओगे यूनिफॉर्म के अंदर प्रॉपरली ड्रेस्ड वगैरह तो कहेंगे माठा आएगा यार की है नहीं करेगा, बुरी हालत में नजर आओगे तो नहीं देंगे काम। अगर सीधा सा उठ के मेरे एसोसिएट और मेरा काम करके तुम जाके घर में बिस्तर में सो जाते हो और अगली सुबह फिर उठ के आके मेरे पास बड़ी मुशक्कत कर लेते मेरे चेंबर में, तो वाह वाह तो मेरी होगी, तुम्हें किसने क्लाइंट देना, तुम तो किसी को पता ही नहीं कि इस जमीन के ऊपर तुम एग्जिस्ट भी करते हो।
इस प्रोफेशन में मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के ऊपर अगर आप कानून की बात नहीं कर रहे, आप टिकटॉक कर रहे हैं, तो बावजूद इसके कि वो बीबी जो टिकटॉक वाली थी वो मेरे पास बीच में आके नहीं, सबसे बड़ी बिक्री होती है, तो फिर टिकटॉक टाइप के आएंगे आपके पास क्लाइंट्स। अगर आपने सीरियस करने हैं इस प्रोफेशन के अंदर, नईम बुखारी बहुत ज़बरदस्त वकील है कानूनन, मगर लोग उसको मुखौलियत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम समझते रहे, क्योंकि आपकी अगर रेपुटेशन आप अपनी खुद मुखौल की कर ले तो उसको मज़ा आता होगा ज़रूर, उसकी उसकी चॉइस है, मगर उसको बहुत अरसा वो सोबर वकील नहीं समझते रहे, बहुत ज़बरदस्त है वकील हो। और नईम बुखारी का फॉर एग्जांपल उसकी जो एबिलिटी है मुखौल वगैरह की, एक ज़माना था कि साकिब साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब थे तो कानून नया बन रहा था, सारे का सारा कानून वो था कि जो उनका ख्याल था, तो जजमेंट शजमेंट्स वगैरह जो हमारा ये था वो तो चलता नहीं था, बट सबसे ज़बरदस्त नईम बुखारी साहब इसलिए थे कि वो मुखौल में रिलीफ ले जाते थे। आप में जो एबिलिटी है, मैंने फिर आपको कहा आपने सीखना ये है कि उस बंदे से अपने फेवर में कैसे लिखवाना है। मैं जाके कहता था मलॉर्ड ये जजमेंट उन्होंने कहा छोड़ो जजमेंट नहीं, इसके ऊपर आओ, ये करो वो करो वगैरह, जजमेंट से वेली सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उनके सामने करो, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं। बट नईम बुखारी साहब कमिंग टू द पॉइंट, गप लगा के ही हा करके आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो कमी कोताही है उसको इस्तेमाल करके आप बेहतर से बेहतर वकील बन सकते। मैं मेरी एसोसिएट सिविल कोर्ट की जो इंचार्ज हैं मैडम हिना, उनको खैर हर दफ़ा मैं उनका बीच में जिक्र करता हूँ, उनको अच्छा लगता होगा नहीं वगैरह, उनको मैं प्रॉब्ली अपना एसोसिएट शायद इख्तिताम में ना रखता, बहुत धीमी हिजाब, बोला नहीं जाता, को उर्दू मीडियम, बहुत पतली आवाज़, बहुत धीमे अंदाज के अंदर, और गुफ्तगू में ऐसा कि नहीं यार मेरे साथ नहीं चलेगा इनका गुजारा होगा, इसलिए जिद के ऊपर मैंने उनको रख लिया। उस बीबी ने इतनी मेहनत की कि वो मेरी सिविल कोर्ट की टीम को हेड करती है, और जिस दिन वो नहीं होती तो मुझे मसला पड़ा होता है कि मेरे मुकदमा था क्यों होना पहले, उसने अपनी मेहनत के साथ किया। अगर आप फीमेल होना या आपका नरम होना या आपका नरम आवाज़ होना या आपका करके आप मेहनत के साथ मेकअप कर सकते हो, ये फिल्मों वाला नहीं सिलसिला, यहाँ पे वकालत नहीं होती कि जज साहब और ये वो बड़ी तकरीर ज़बरदस्त की थी ते सारे हो गए, यहाँ पर तो सीधा सीधा कहा मैं यार दो बटा दो अमूमन चार ही होता है, आपने अपना दो मल्टीप्लाई बाई टू भी है, दो ज़रब दो भी चार ही होता है, बट दो तीन तक तरीकों से आप चार करवा सकते हैं और चार भी हो जाता है, बट ये बताना मैं ये चारों का वो कर सकती है ना, कोई भी कर सकता है। अगर मैं बीच में बोलने में अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। माना कि मेरे अब्बा जी की वजह से और मुझे, मैं बड़ा शहजादा हूँ, मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ और मुझे बड़ी एडवांटेज है, सो व्हाट, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, आप जिस जगह के ऊपर खड़े हुए हो वहाँ से आपने कैसे काम करना है। और जब इसका सवाल मैं आपको नहीं दे, जवाब का जवाब मैं भी नहीं दे सकता, आपने अपना खुद रास्ता बनाना है और भूख के साथ और भूखे होके बनाना है और काम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। आप विक्टिम नहीं हो पाई, LLB पास कर चुके हो ना आप बच्चे हो, अभी मैं नीचे हाउस के अंदर था, वो बच्चों के नाल बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चों का अब हाईकोर्ट के लिए जब लाइसेंस बन रहा था बच्चों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ लॉग एंड में हो गया, LLB पास करने के बाद उसे बच्चे नहीं है, शादी भी हो गई है बच्चों के लिए कमा के भी, अपने बच्चे वो हैं जिनके लिए बाप ने कमा के लेके जाना है। सो एटीट्यूड एडजस्टमेंट इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी नसीहत कर ही जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कितने फंस गए यार सारे के सारे करके, नुक्ते के नुक्ते के ऊपर बात करो, बट मैं आपके सामने बार बार ये कर रहा हूँ कि भाई आप में से, और मैं बड़े शौक से ही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मुझे आप सारों में माशाल्लाह स्पार्क नज़र आ रहा है, बिकॉज चार पाँच चीज़ें वगैरह मैडम का, मैडम नहीं बोला करती थी, आप तीसरी दफ़ा कर रही थी, भाई ने गोलियां मैंने मारी फिर भी मेरे साथ बीच में किया, उधर ड्राफ्ट की थी आप में से किसी भाई ने, ड्राफ्ट जो बना के दिया हुआ था, कैंसलेशन का नहीं बनाया हुआ था, डिक्लेरेशन का जिस भाई ने दावा बना हुआ था, ज़बरदस्त भाई, हाँ माशाल्लाह। तो यही चीज़ है, अब बहस करने के लिए वाला भाई तो इतना ज़्यादा आपका अग्रेसिवली वगैरह नहीं कर रहे थे, आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रांग है,
यू विल वर्क ऑन दिस और आप छा जाएंगे बहस करने के अंदर भी, बट ये आप क्वेश्चंस आपको अपने आप को खुद करने पड़ेंगे। मैडम अगर धीमा बोलती हैं तो अपने प्लेजेंट पर्सनैलिटी के साथ आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़के बीच में लें वगैरह। आजम नजीर तारर साहब प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स आई हैव सीन, मैं लगी लपटी बात नहीं कर रहा, वो उनके बारे में लोग कहते हैं कि जज के मुंह में से वो रिलीफ और सियासी होने से और मिनिस्टर होने से पहले भी वो ले लिया करते थे, गुस्सा नहीं करते थे। उनका बहस करने का अंदाज देखो, उनका तकरीर करने का अंदाज देखो, उनका नुक्ते पे बात करने का देखो। आपने ये जरूर देखना, ये जो आपको मैंने लिंक्स वगैरह सारे भेजे थे ना, आजम नजीर तारर का वीडियो देखो और उसमें देखो कि वो बोलता कैसे बंदा। आजमाबाद से आया, कौन सा भी बोलते हैं, साकी साहब का भी अंदाज है, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी, साकी साकी साहब लिटरली है, जुबान पे बहुत अबूर हासिल है, आजम भाई का मुकम्मल तौर पे है। आपने इन चीजों को इस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना कि मेरे आसपास मेरे से मिलता जुलता इनमें से कौन सा है और मैं किस तरीके से इसको लेके आगे जा सकता हूं। अब इसका ये जवाब नहीं है कि मैं सियासी हो जाऊं और मुझे बड़े मैं सचीव कर दूंगा, लेकिन इन बंदों की जो कोर है ये प्रोफेशनल वकील भी हैं। इनको कोर्ट में आप करते हुए देखोगे, ये सियासी वाली चीज एडिशनल है, इनकी जो बेसिक्स हैं वो मौजूद हैं, सारे आजमाबाद से आए हैं, लाहौर में छा गए हैं, अपनी काबिलियत के ऊपर छाए भाई, जो मर्जी आप जिस मर्जी धड़े वगैरह के साथ हों, मैं दूसरे धड़े की भी तारीफ कर देता हूँ, आमिर खान साहब, बाकी सारे के सारे देर आउटस्टैंडिंग लॉयर्स एज वेल। और फिर आगे आप थोड़ा बहुत जाते हैं, एवे नहीं यहाँ पे कोई सिलसिला, बंदूक के जोर के ऊपर वकालत की सबसे ज्यादा वकीलों की खूबसूरती भी है, बंदूक के जोर के ऊपर नहीं हम वोट देते, खाना शायद आपका खा ले, लेकिन जब डब्बा खोलेगा तो सुबह के हैं वोट ही नहीं किसी ने देता करके, बिकॉज हम आपकी मुकम्मल तौर के ऊपर आपकी जो शख्सियत है आपकी जो चीजें वगैरह मुकम्मल तौर पर जानते हैं, और वकील जब वोट डाल रहा होता है वगैरह सीधा सीधा जवाब, हाँ बिल्कुल, आपको पता ही नहीं लगता। बात ये है कि मेरे इलेक्शन में, खैर मैं तो बड़ा जबरदस्त हूँ, मैंने तो सारे नहीं वोट पाए होते, लेकिन बात ये है कि आपको मुंह पे कोई ना नहीं करता वोट के लिए जब आप जाते हो, खैर बहुत ज्यादा अलग मूव वो कर गए, बट आपको बात ये है कि फोकस करके वापस नुक्ते के ऊपर अगर आए, आखिरी दफा पाकिस्तान लॉ से मुझे दोबारा ट्राई कर लेने दे, अगर खुलती है तो मैं आपको दिखा देता। एक से चल क्यों नहीं रही यार, ट्रबल दैट ट्रबल आ रही है यार। अच्छा ये नेट डाउन हुआ हुआ है यार, दोबारा दिखाओ वो किधर गए हो यार, नेट ही बंद कर दिया, एक सी वाई फाई का नेट नहीं चल रहा। अच्छा पाकिस्तान लॉ साइट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हाँ कनेक्ट हो गया, अब देखते अगर खुल जाता है तो खुल जाता है। यार आप लोगों की किस्मत, किसी और दिन मैं आपको बीच में इसमें बता दूंगा। और अगर कोई जनरली आपसे सवाल है तो भाई मेरे से पूछो, बिकॉज अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उसके बारे में बात की जा सकती है। किस किस्म का चैम्बर ज्वाइन करना है, आपको उन्होंने दिखा के रखने की उधर है तो वास्ते है कि उन्होंने कि अपनी जेब में बीच में करके डैम फंड सुप्रीम कोर्ट का वहां पे ऑलरेडी मौजूद है वहां पे जमा करवाएं। सियासत करने के लिए आप किसी को भी बीच में कुछ कह सकते हैं, बट भाई एक बात है मुझे उसकी एग्जैक्टली फॉलो करने ये और सीरियस इसको करने की जरूरत है। ये मुल्क अल्लाह ना करे लेकिन वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम पानी के ऊपर। 70 के बाद हमने कोई डैम नहीं बनाए, पानी जो आता है स्टोर करने का तुसी काश्तकारी करते हो, एग्रीकल्चरल है, और जो खून जिसके साथ तुमने बीच में करना है पानी के साथ उसको तुम्हारे पास स्टोर करने का है ही नहीं। आप जाके अगर आपने रिपोर्ट वगैरह पढ़नी है, ये वर्ल्ड बैंक की भी और भी रिपोर्ट्स हैं, आप अपना 80% पानी जाया करते हैं समुद्र में भेज के। तो अब आप डैम्स नहीं बनाएंगे, उन्होंने इशू तो हाईलाइट किया,
उन्होंने और भी काफ़ी वगैरह की और मेरी थोड़ी बहुत उसको थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफ़ी बहुत उनके साथ यार एक सेकेंड काफ़ी बहुत उनके साथ बीच में एक दो केसेस के ऊपर बीच में तल्ख कलामी भी हुई बट आई मीन आई डोंट नो उसका वो जवाब देंगे आई कांट ये मेरा ख्याल है कि अगर औरत के खिलाफ डिग्री पास होती है तो इम्प्लीमेंट करवाना तो रेस्ट वगैरह जैसे एग्जीक्यूशन वगैरह कोई है इसके लिए ना Probably not, मेरे ख्याल में औरत को नहीं करवाया जा सकता उसके अंदर गुंजाइश उसके अंदर काफी गुंजाइश उसके एसेट्स को तो आप करवा सकते हो बट देखिए देख के कंफर्म करूंगा भाई सर प्रेगनेंसी वाला जो टेन्योर होता है वो निकाल और भाई कानूनी सवाल नहीं करना स्पेसिफिक जो है प्रेगनेंसी वाले टेन्योर का क्या कह रहे हैं डेथ की नहीं 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 फौजदारी का नहीं सिविल का पूछ रहा हूँ किस नुकते पे वो पाकिस्तान लॉ साइट अगर खोलती है मेरा रजिस्टर खोल रहा है होगा तो मैं जरूर देख देता आपको वेबसाइट डाउन है चले उसके लिए एक और भी है ईस्ट लॉ छठोपरम ईस्ट लॉ डॉट पी के पाकिस्तान लॉ साइट अगर ना हो तो फिर ईस्ट लॉ ट्राई कीजिए और ये शायद पाकिस्तान लॉ साइट से बेहतर है बाय द वे पीएलजे लॉ साइट भी है हमारी अपनी भी है बाय द वे सॉरी मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं एग्जीक्यूशन अगेंस्ट फीमेल किस नुक्ते पे सिविल की साइड पे पूछ रहे हैं ना प्रॉपर्टी वगैरह तो उसके आप डेफिनेटली मर्डर के तौर पे करेंगे अरेस्ट वाला सिविल प्रिजन वाला शायद उसके अंदर कुछ है अच्छा अब ये चेक करो यार ये वाला जो फॉर एग्जांपल है ना ईस्ट लॉ पाकिस्तान लॉ साइट से बेहतर इसलिए है कि इसमें ना ये अगर आप फॉर एग्जांपल चूज करें आपके कोर्ट की जो टाइप्स वगैरह हैं या ये जो इतनी आई है ना फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च की है तो ये 607 आ गई अब इसके अंदर मैंने ढूंढना है सिविल सिविल का वर्ड डाल लेंगे तो उन 607 के अंदर ही सर्च करके और कम कर देगा पाकिस्तान लॉ साइट के अंदर थोड़ा सा फर्क है प्लस आपका अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो आप इसको कोर्ट के मुताबिक भी 223 फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट की आ रही है उसके अंदर अगर आप यहाँ पर टिक करोगे तो उस कोर्ट के मुताबिक भी आपको लिमिट कर देता है ये इस लिहाज से मुझे ईस्ट लॉ प्रैक्टिस के अंदर बेहतर लगा ही इतना अपडेटेड नहीं है मेरी सजेशन होगी पाकिस्तान लॉ साइट और ईस्ट लॉ दोनों होनी चाहिए बंदे के पास अगर वो किसी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है तो फिर हम किस तरह से वो करवा सकते हैं आप नहीं करवा सकते नहीं करवा सकते अगर अरेस्ट भी आप नहीं करवा सकते एसेट्स नहीं है ये वो तो फिर जब आप कर रहे आप उसको लोन दे रहे थे या जो चीज भी कर रहे थे तब पता होना चाहिए प्रॉपर्टी सिक्योरिटी इसीलिए जब बैंक लोन देता है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपने जिम्मे लेता है उसके इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए इसीलिए औरतों को लोन्स कई 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 दफा नहीं दिए जाते 15 और जगह के ऊपर ये होता है कि दे आर कंसिडर्ड हाई रिस्क लो रिस्क वो जिस बंदे ने ट्रांजैक्शन की उसके साथ बीबी के साथ उसका था बीच में मामला वगैरह और होता है कई दफा फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल के अंदर कर रहे हैं मुआयदा कर रहे हैं तो 5 दफा सोचते हैं कि जी वो बीबी के साथ कर रहे हैं ये यही बीबी है पर्दा नशीन लेडी ना हमारी पसंदीदा तो इसको कहते हैं पर्दा नशीन लेडी ना बाद में और पर्दा नशीन के लिए तो खास तौर पे करते हैं किधर है क्या है हमें वैसे मसला पड़ता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मुकदमे कर रहे होते तो बेटे आते हैं या हस्बैंड आता है बीबी से तो हम कभी भी नहीं मिल रहे होते बाद में वो 12 तो हमारे गेट से जमा करा देने मैं तो वकील साहब ने कब किया नहीं मुझे क्या पता कि अंगूठा लगा के उसी बीबी ने लगाया कि नहीं आईडी कार्ड की वो कॉपी ला के तो सिर्फ पकड़ा देते और बीबी से तो नहीं हम मिलते जब भी हम फीमेल की तरफ से करते हैं उसके लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि ये है बीबी एक्चुअली मौजूद है क्या है किस तरीके से तो आपको मैं तो कई कई दफा कहता हूँ व्हाट्सएप पे बात करवा दें उनको अगर वो नहीं आ सकती
मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन मुकम्मल तौर पे ऊपर करनी है, बिकॉज मेरी इज्जत तो उसको भी एक लेवल के ऊपर लगी होती, बाद में वही बंदी बीबी मेरे खिलाफ दावा कर रही होती अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कि मोहम्मद तो मेरे को तो मैंने वकील ही नहीं किया ये कैसे, और देखें अंगूठा मेरा नहीं है तो किसी मर्द का अंगूठा लगा हुआ। मैं आपको यही कहना ना कि ये वाली नहीं, बट यार देखो इश्यूज के अंदर आप तमाम दोस्तों के साथ ये इश्यूज आप खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ कि वहाँ सिस्टम के अंदर इश्यूज हैं काफी। अब इसमें देखिए मैंने लाहौर हाई कोर्ट की अगर जजमेंट निकाल ली इन्हीं जजमेंट्स के अंदर से 153 में, मैंने उस पर क्लिक किया तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की मुझे दिखा रहे, इस लिहाज से ये अच्छा है ये करने के लिए। आपका एग्जीक्यूशन फीमेल शी इज पुअर विद अ चाइल्ड एट ये करके इस पे, और दूसरी इसमें अच्छी चीज है इसमें से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, पाकिस्तान लॉ साइट वालों ने नहीं रखा हुआ, उसकी आपको तस्वीर लेनी पड़ती है, या इसका ये बीच में फायदा है शो केस समरी सॉरी। और बाय द वे पीएलजे लॉ साइट का अगर मेरे पास इस वक्त होती तो मैं शायद आपको वो भी थोड़ी सी दिखा देता, वो आपको सबसे ज्यादा सस्ती ये हमारी अपनी वाली मिलेगी। ये देखिए इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो ये कॉपी भी मैं कर सकता हूँ पेस्ट भी कर सकता हूँ, नहीं उसमें आपको तस्वीर लेनी पड़ती है कुछ तरीके से, तो इसका ये डेफिनेटली फायदा है। और ये सारी की सारी जजमेंट्स इन्होंने करके, बट इसमें आप देखेंगे कि मुझे इनका ये फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया है, ये पैराग्राफ 27 से पैराग्राफ 16 आएगा, बाकी पूरी जजमेंट ही नहीं इन्होंने अपलोड की हुई, इसमें कमी कोताही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों इस्तेमाल करके आप बेहतर रिसर्च कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर लीजिए। आखिर में मैं आपको अपने वो उसको कहते हैं वापस फिर उस तरफ लेके आऊँगा जो है qayyums.com लेक्चर्स वाले के ऊपर। अच्छा आप उससे पहले आपको पंजाब और अच्छा दो तीन आपको मैंने एक वीडियो ये भी देखेंगे कई, ये तो सारी जजमेंट्स के बारे में मेरे एक दो वीडियो ये भी मौजूद है कि स्टैट्यूट कैसे ढूंढते हैं पंजाब में, बड़ा अच्छा चीज़ है पंजाब लॉज के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम कवानीन अमेंडमेंट्स के साथ अवेलेबल कर दिया। पंजाब बार काउंसिल का भी अगर आप पेज फॉर एग्जाम्पल जाके देखें तो 3 या 4 पेजेस आपके लिए बहुत अच्छे यूजफुल मौजूद हैं। एक तो हो गया ये पंजाब बार काउंसिल का ये जो बार वोकेशनल कोर्स का सफ़ा है, ये हमने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, अब खुलता है तो देखते हैं, नेट का पता नहीं है मसला ही चल रहा है। हाँ ये देखिए ये वाला जो हमारा अभी तक मामला चल रहा है इसके वीडियोज सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये स्लाइड और पीडीएफ में जल्द इसके ऊपर अपडेट करवा दूंगा। आपके जितने लेक्चर्स हुए हैं उनके लिंक्स वगैरह अभी तक तकरीबन 80-85% के हमने डाल दिए हुए हैं, आप वीडियोस यहाँ से उठा सकते हैं तकरीबन। हाँ कर दूंगा ये, कुछ टाइम मिलेगा तो सारे इकट्ठे जमा कर, मेरा लैपटॉप तुम लोगों ने तो बात कर दी है, मुझे बड़ा लाख रुपये का तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, पैसे दो मुझे। नहीं इसके अंदर जो डेटा था वो असल में, और हम सारे की सारी चीज एक्सरसाइज भी इसीलिए कर रहे हैं, जाती लैपटॉप है उस पर रिकॉर्ड हो रहा है, बार काउंसिल का लैपटॉप के ऊपर प्रॉपरली नहीं होता, कानून वाले दोस्त भी ट्राई कर रहे हैं हमारे साथ सपोर्ट हमें बीच में कर रहे हैं। कंप्यूटर कई ये प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर होते हैं लैपटॉप वगैरह, ये तो आम इस्तेमाल का लैपटॉप है, जब इस पर वजन पड़ता है सारे वीडियो सुबह से 9 से 5 तक करते हैं तो बैठ जाता है उड़ गया इसी वजह से। ये सिस्टम करने का तरीका या वजह ही ये है कि ये इसमें कमी कोताहियाँ, कौन सा लैपटॉप यूज़ करना है, कौन सा माइक यूज़ करना है, इसका मकसद भी यही है। जब फाइनल हो जाएगा फिर हम बाकी बार एसोसिएशन को भी कहेंगे भाई ए लैपटॉप होना चाहिए, ए माइक होना चाहिए, एंड नाल सब तो ज़बरदस्त बीच में इफेक्ट वगैरह आ रहा है आ करके, अगर हमारे पास कानूनदान जितने पैसे हों तो उसको कहते हैं हम ये बड़े महंगे महंगे कमी भी खरीद लें नाइकॉन के और माइक्स वगैरह भी, इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। बट मेरा कोशिश और हतुल इम्कान ये है कि मैं तैयार ये कर रहा हूँ कि हर बार एसोसिएशन कर सके, मोबाइल के साथ कौन सा माइक लगना है वहाँ पे आपके डीजी खान के अंदर वो मैं उनको बताऊँ, ना कि ये कि जी 5 लाख रुपए का कैनन का कैमरा ले लें और उसके ऊपर इतना माइक कर लें। असल में ये एक एक्सरसाइज इसलिए भी हो रही है कि कमी कोताहियाँ, नेट नहीं चल रहा, मैंने अपने नोट कर लिया ये कि नेट नहीं चल रहा, इस लेक्चर के लिए नेट अवेलेबल होना ज़रूरी है और बैकअप नेट भी होना ज़रूरी है, नहीं खुल रहा तो ये है। ये हम सारी की सारी एक्सरसाइज आप पे एक तरीके से तजर्बा भी इसीलिए कर रहे हैं, आप इस तरीके से कुछ किस्मत है कि
पहले बैच के अंदर बदकिस्मत है कि पहली दफा सीखा रहे हैं, जो 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 बोंगे हैं वो आपके साथ ही आप ही लगेंगे, आइंदा जाके बेहतर हो जाएगी। सो हमारा ये मकसद था। अब कोई वैसे जनरल अगर कोई क्वेश्चन है, स्पेसिफिक्स वाले नहीं, तो प्लीज पूछिए। कोई हल्का क्या, किस किस्म का चेंबर आपको इब्तदा में ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ये चेंबर एक बाय द वे कोर्स इसलिए बेसिकली डिजाइन हुआ था, इसका मकसद ये था लाइसेंस मिलने से पहले 6 महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट में कहा हुआ है कि ये उसके लिए डिजाइन हो रहा है। अब लाइसेंस नहीं मिलेगा, अपने दोस्तों को भी बता दें जब तक वो ये बार वोकेशनल कोर्स नहीं करेंगे। पीएलजे 2018 सुप्रीम कोर्ट, पीएलजे 2018 सुप्रीम कोर्ट 386 पेज नंबर शायद 386 है, आप देख लीजिएगा उसका है। पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का नाम है। मुझे पक्का पीएलजे 2018 सुप्रीम कोर्ट आई थिंक 386 है शायद, और इसका मुझे जजमेंट्स नहीं याद रहती। जेल को है पंजाब बार काउंसिल का, पीएलडी में भी छपा हुआ है, इसीलिए केस का नाम पता है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आप इंडेक्स में देख लीजिएगा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस, अच्छा नहीं सॉरी, पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सर जिनकी फर्स्ट इंटीमेशन जमा हो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। देखो अभी इब्तदार में मेरे ख्याल में हमें सख्ती, सुप्रीम कोर्ट का बॉर्डर है तो शायद करनी पड़े, बट हम इतनी गहराई में अभी शायद ना जाए। बट बात यह है कि आप पे हम किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहे, अगर हम कह रहे हैं कि यार 2 हफ्ते के लिए वकालत करनी सीख लो। सर एक और खबर सुनी थी कि ये जो 2018 के पास ला गया पानी हम के दफर थोड़े से 15 यार प्लीज एच एच भाई अपना हाथ वाला रखो, 15 नंबर से थोड़े से सर उनका दोबारा फिर होगा वो क्या जिनके 15 नंबर से कम से नंबर लाइक 48 47 सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग करा दिया, वो उनका लाइसेंस वगैरह है वगैरह 50 अगर आप पास नहीं करेंगे तो यू आर नॉट अ लॉयर। अगर आपको लाइसेंस दे भी दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि आप लॉ कैट में बैठेंगे अगर आप कर रहे हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया हुआ है, लिख के यहाँ से भेज भी दिया हुआ है, जब आओगे इधर लाइसेंस लेने के लिए तो पता चल जाएगा। हमारी बार एसोसिएशन देखो हमने 6 महीने पहले बार एसोसिएशन को कहा कि करो, नहीं करवाया, इधर बुलवा के खाना खिलवाया, कहा कि जी तुम्हें बड़े तमगे देंगे अगर तुमने किया, उन्होंने फिर नहीं पढ़ाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हो गया, उनसे जबरदस्ती करना पड़ेगा और लोकल लेवल पे करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपकी बार एसोसिएशन के अंदर होगा भाई। मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये कह तो दिया कि जी सारे आप करेंगे, इस कमरे में तो 70 बंदे आते हैं। मैं ऑनलाइन अब आप पंजाब जुडिशियल अकेडमी के साथ मिलकर ऑनलाइन आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सारी ऑप्शन देंगे। बात तो ये है कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं, मुझे पता है कि मुख्तलिफ जगहों पे नहीं किया जा सकता, मैंने ये कोर्स 70 घंटे का बनाया, मेरी तरफ से तो 12 घंटे का आपको सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिनों का कोर्स का, एक एक घंटे के लिए मेरी तरफ से बंदा सीपीसी फड़ के उधर पढ़ना शुरू कर दे घंटे वास्ते, और आप सारे उसके सामने बैठ के बस एक दफा सुन ले, मेरे लिए वो भी काफी। मैं ये नहीं चाहता कि किसी का लाइसेंस वगैरह रुके, बट बात ये है कि इस प्रोफेशन के अंदर आपको पढ़ाई और ट्रेनिंग की तरफ आना ही पड़ेगा, और आपके साथ जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म आपके साथ ये है। मैं इस चीज की मुझे हमेशा से तकलीफ रही, और इलेक्शन भी इसलिए लड़ा था कि यार तुम्हें पता ही नहीं है तुम लोगों को जरूरत किस चीज की है, तुम सियासतदानों को पेज में पकड़ के देते रहते हो, वोट उनके बैल लगा के करते रहते हो, और रोजी रोटी की तरफ
कोई तो आगे पीटीआई वास्ते चीख रहा है, कोई पीएमएलएम के लिए चीख रहा है, कोई बीच में पकड़ के किसी सदारती कैंडिडेट के लिए चीख रहा है ये बार का, तो बीवी बच्चे तो भूखे रहेंगे फिर, और जब घर जाओगे तो गालियां तो पड़ेंगी कि पैसे नहीं लेके आए। जब तक तुम इस चीज के ऊपर नहीं फोकस करोगे कि मैंने कमाना कैसे है, उम्र में बड़े होने का मकसद ही ये होता है कि हुन सिर पे आ जाती है कि करो, खुदाना खास्ता वालदैन ना हो या वालिद ना हो या शादी हो गई हो या बच्चे दो हो या तीन हो या आप बीमार हो जाए तो कितों पैसे आने। और ये जिंदगी की रियलिटी है और उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं बार बार नसीहत कर रहा हूँ कि ये आपको रियलाइज करने की, टेंशन देने की नहीं जरूरत। मेरा एक भाई था, उसने सुसाइड की पीछे, इधर सगा नहीं एज ए वकील भाई था, उसने वगैरह मुझ इसी इन्हीं प्रेशर्स वगैरह में आके उसकी एडवाइस ली थी, उसने छोड़ी, उसने वही शॉर्ट एंड सर। ये बड़ा मुश्किल काम है और बहुत पेनफुल है, और इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आप के लिए अगर नहीं रास्ता करेंगे तो किसी ने आपको नवाला नहीं देना। अगर आप यहाँ पे आपस में बैठ के डिसिप्लिन रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं बीच में बैठ के आपकी गप्पे सुनता हूँ। थोड़ा बहुत हाथ औला रखा करो यार। एक कैमरा पकड़ो, उसके कैमरा भी नहीं मोबाइल पकड़ो। अमीर भट्ट साहब ने चकवाल के अंदर, बाबा जी हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने हर जुमेरात को वहां पे बुलवाना उन्होंने शुरू किया। एक सस्ते से मोबाइल के ऊपर उन्होंने सामने रखा, वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की, उन्होंने पूरी सीपीसी कर डाली, उसको बुलवा के हमने यहाँ पे समझा दिया। तो तुम करो बात, तो ये अपनी मदद आपके ऊपर आप नहीं करोगे, ये प्रोफेशन लोगों से लेने वाला नवाले नहीं, ये आप, ये प्रोफेशन आपकी, क्या उसको कहते हैं, दिस प्रोफेशन इज नॉट अबाउट कि जी आपको हम वजीफे दें। आपने लड़के हासिल करना है कि हम यहाँ पे बीच में अन्य वाला लाइसेंस भी दे देते और पकड़ के जी पैसे दे, तो फिर और ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे लोग। क्योंकि यहाँ पे तो है लाइसेंस डिग्री आज खरीद लो फिर रिटर्न हो जाते नहीं, क्योंकि वजीफा पहले 3 साल के बीच मिल जाता, 3 लाख के अंदर डिग्री खरीदते, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। बीजेडी से आप ले लीजिए, यहाँ पे लाहौर में बैठे हुए साहिवाल का लॉ कॉलेज होगा, खरीद लें पुरानी तारीखों के अंदर, तो आप जाके करके पता है मुझे सारी की सारी मैंने बंद करवाई है भाई। बात ये है, और आपके लिए ये चीज आप हंस रहे हो इसके बारे में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी रोजी रोटी के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारे के सारे डूब जाओगे, सीधी सीधी गाल है। आपकी रोजी रोटी नहीं यार, ना करके क्या मतलब है, आप दुआ वगैरह कर लेते, दुआ कोई भी नहीं करते, बात सीधी सीधी ये है, आपकी रोजी रोटी वो चोरी करेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने भी नीचे सिविल कोर्ट के अंदर जाकर रोज मुकदमा करना है जो जिसके लिए उनके जत्थे आएंगे। आपने आप सारों को रियलाइज करवाने की आपको समझ नहीं आ रही बीच में, ये आपका जो आपका हक है उसके आपको क्या जरूरत ही, पढ़ के आए हो मेरा क्यों बातें सुन रहे हो, यहाँ पे वक्त क्यों जाया कर रहे हो, क्योंकि आपने एक्चुअल वकालत करनी, इसके खिलाफ आप नहीं बोलोगे, आप नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आप नहीं हमारी मदद करोगे, आप नहीं बताओगे कि फलां है कसूर के अंदर, प्रॉबेबली उनके अपने सेक्रेटरी के कहने के मुताबिक 40% जाली वकील है सेक्रेटरी साहब, लेकिन खुद कंप्लेंट लाने के लिए नहीं तैयार इलेक्शन लड़ने आगे। बात यह है उनकी रोजी रोटी आप इसी वजह से डर के, जैसे आपने बताया कि जाली वकील है बंदूकें लेके घूम रहे, उनको इंडिकेट भी करते हैं तो वो पकड़े हमने, तो हमें उल्टा लटका देते हैं, ये भी हाँ कौन उल्टा लटका देता, और छोड़ें जी बीच में हमारा क्या उसको कहते हैं, ये हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब और हमारे जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव थे जाली डिग्री वाले फारे हुए कि नहीं, मेंबर बार काउंसिल से आपके जो हाईएस्ट ओहदेदार, देखिए आप अगर ठीक है इस इदारे सात वाले दरवाजे पे 3 साल पे हमारे फ्लक्स लगा तो लानत है इस इदारे के ऊपर,
कि आपके सामने उस बंदे ने अभी भी लगाया हुआ है कि जी फ्लेक्स के वो वकील भी है और मेंबर बार काउंसिल भी है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीगल का उसकी विंग का एक हेड तसव्वुर किया जाता है। वो मेंबर को वो लॉ मिनिस्टर को पिछले वाले को गाड़ी में लेके जाया करता था और जाली डिग्री होने के कन्विक्ट होने के बाद और वो उसको चूमते हैं। और बात ये है, देखिए गलत को गलत कहे, गलत को गलत कहे, अभी नीचे लड़ाई होके आई है उसके ऊपर कि जी आप करें ये क्या तरीका है, किस तरीके से है वगैरह, जो है वो है। पर बात मैं आप दोस्तों को ये बता रहा हूं, वड्डे लोगों को अगर थोड़ा हाथ ना भी हो तो जेड़ा कर सकते हो अपने लेवल पे तो करो। बात ये है कि अन्य अगर लाइसेंसेस मिल रहे हैं, आप कॉलेज तक की इंफॉर्मेशन हमें नहीं देते तो मैं तो नहीं जाके उन कसूर के अंदर पता करना ना। मुझे बीजे ड्यू भी हमने किए हैं और मैं आपके सामने खुल के बीच में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। भाउद्दीन सक्री बहुत गालियां मुझे पड़ी और मेरे बहुत बीच में पुतले वहां पे चले। लड़के मुझे कॉल करके कहते हैं, एक मोहतरमा है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, मुझे कॉल करके कहती है आपको क्या तकलीफ थी मेरा भाई अगर वहां से भाउद्दीन सक्रिया से लाहौर में बैठ के डिग्री खरीद रहा था, आपको क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो डिग्री खरीद रहा था और यहाँ पे। मैंने कहा आपका भाई लाहौर में था डिग्री उसकी, वो लॉ कॉलेज मुल्तान से आप दिखा रहे हैं, बीजेडीयू से अफिलियट करके करे तो आपको क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको वोट दिया हुआ है। अब बात यह है कि अगर तो आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उसका बेटा उसका भाई बीच में आ जाए। बट रूल मेरी बेटी और बेटे के लिए भी बराबर है। वकील नहीं, ताली वाली बात नहीं है। अगर तो आपका ख्याल है कि ये वो ये प्रोफेशन, और मैं ये नहीं कहता ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, कहते मिट्टी नहीं, ये लॉर्ड्स का मतलब होता है कि जो इलीट बंदे हैं उनके लिए प्रोफेशन है, ये आम ईमानदार और बेहतरीन बंदों का प्रोफेशन है। मैंने आपके सामने वो तस्वीरें दिखाई थी पहले लेक्चर में, इस वजह से कि आप अपने आप को प्राइड लें और आप मीलों आगे आप अपने आप को खड़ा करें। ये कायदे आजम का प्रोफेशन है, ईमानदार बंदों का प्रोफेशन है, और इसके अंदर नॉन ईमानदार बंदे आप नहीं अलाउ कर सकते यार अंदर आने, कोई और चीज आके कर ले। बात ये है कि आप ये लड़का कहता है लॉ गेट में मैं पांचवी दफा फेल हो गया, हाय मेरे साथ बड़ा जुल्म है, अव्वल तो उसकी वकालत चलनी नहीं, ठीक है। पांच दफा फेल अगर आप लॉ गेट के अंदर माजरत के साथ अगर आप हो गए तो आपकी वकालत ये नहीं चलनी भाई, तुम्हारे लिए नहीं है कि मैं खुदकुशी कर लूं। खुदकुशी आप ना कर ले मगर आप कोई और प्रोफेशन कर ले, किसने आपको रोका है? ये जिद है कोई कि जी मैंने एलएलबी की डिग्री खरीदी है या मैंने एलएलबी की डिग्री हासिल की है, नजर आ गया कि नहीं आप कर सकते तो नहीं कर सकते कि नहीं मैं सर्जरी करनी है, मैंने लाइसेंस दो सर्जरी करन दा। लोगों के आपने प्रोफेशन के ऊपर आपने मुकदमे करने, आपको एक किसी बंदे का मुकदमा कितनी दफा करने तबाह करने का मौका मिलेगा? आप अपना मुकदमा पांच दफा फेल हो गए सादे इम्तिहान के अंदर, तो फिर और वो केस को कहते हैं 94 और 97 वाले लड़के भी यहाँ पे बीच में मौजूद हैं, एक महीने की ट्राई एक हफ्ते दो हफ्तों की तैयारी करके जाम सादिक नाम जाम पता नहीं क्या नाम है उसका लड़के का, इस दफा जो 94 जिस लड़के के लॉग एड के अंदर नंबर आए हैं वो सिंध से है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से उसने किया। एक हफ्ते की तैयारी थी, नॉर्मली LLB की तैयारी करता रहता था, छा गया सौ बिस्मिल्ला, उसको तमगा मिलना चाहिए कि मैं बैठ के ये लड़ता रहूंगे जेड़े पांचवीं दफा मुंडा पे हो गया उसके लिए अनलिमिटेड चांसेस दिए जाए। अभी नीचे आपके पास मैं इसीलिए लेट आया हूं कि नीचे लड़ाई ये हो रही थी कि लॉग एड के पर्चे के अंदर 13 गलतियां, मेरे नजदीक अभी उन लड़कों को 3 नंबर HEC ने लॉग एड के अंदर दिए, मेरे नजदीक 3 भी नहीं बनते थे, मेरे नजदीक एक भी शायद नहीं बनता था। हाँ उस पर्चे के अंदर गलतियां, लेकिन उस सवाल की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन 3 नंबर मिल गए आके कहते हैं कि मनोगे जी 13 गलतियां। और लतीफा तो इस प्रोफेशन के साथ ये हो रहा है, वो लड़का मुझे एक बीच में मिला, मुझे कहता है मोहम्मद भाई उसको कहते हैं ये के उसको कहते हैं मेरे के 9 गलतियां। मैंने कहा तेरे 41 नंबर है, कहता नहीं मेरे 42 नंबर। मैंने कहा तू कह के 8 गलतियां, कहता मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता एक्सलेंस होनी चाहिए भाई। मैंने नहीं काम किया यार, मैंने किसी ने वैसे बोले मार दिया, जो भी लेकिन आप देंगे क्योंकि आपकी मेहनत है।
2018 के बाद ये काम जिसे कहने के जो करना वो बहुत ज्यादा लोगों ने, अब मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन डिग्री के नाम पे अब बेचा जा रहा है 3 ईयर पे और 5 ईयर पे। ये अभी स्टार्टिंग है, 5 ईयर नहीं है, 3 ईयर है, और एक साल के अंदर भी बिक रही है, उसके भी इश्तेहार आ रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप वैसे, तो मैं ये मेरी राय है कि दो तीन चीजें आपको मैं बता देता हूँ उसके बारे में। ये आपको जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आपका जिसका जिक्र कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी उसके अंदर चीजें बंद की गई हैं। आप सारे के सारे अगर आपने पढ़ना है तो पहले 2018 PLJ की ये जो जजमेंट है, लॉ गेट जिससे आया, लैट जिससे आया, सी लॉ का इम्तिहान आया, 5 साल खत्म किया, ये सारे का सारा इस फैसले में लिखा हुआ है। उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल LLB अलाउ किया है, सही है। सो अगर 3 साल LLB सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, हम क्या करें। मेरे नज़दीक तो मैं वहाँ पर मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट का माजरत के साथ एलीट वकीलों के फेवर के अंदर नहीं होना चाहिए, इसका तबाह कर दिया है एक लेवल के ऊपर, इस खैर तबाह हो गया। जजमेंट का मकसद तो ये नहीं था, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस असर ये हुआ है कि जो अफोर्ड कर सकता है, हमारे अपने सीनियर वकील जिनकी वकालत चल रही है वो अपने बच्चों को बीच में एक्सटर्नल प्रोग्राम में डाल रहे हैं। मैं कहा भाई खुदा का खौफ करो, मैं खुद पार सारी की सारी डिग्रियां करके आया हूं, मैं इस कमी की वजह से अभी भी मैं सफर करता हूं कि फौजदारी मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे आती नहीं, मैंने PPCC RPC नहीं पढ़ी, राइट। ऑक्सफर्ड की मैं दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से टॉप किया हुआ, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से आईवी लीग के अंदर मैंने किया हुआ, लॉ मैंने ऑक्सफर्ड से किया हुआ, बार मैंने कायदे आजम के लिंकन से ICSL से किया, मैं बड़ी तोप चीज था। मगर मैं जब पाकिस्तान वापस आया हूँ वकालत करने के लिए मैं जीरो था, मैं अपने आप को मुकदमा बना देता, मुझे पाकिस्तान का कानून ही नहीं आता, CRPC नहीं आती, CPC नहीं आती, और हम एक पौध यहाँ पे तैयार कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम वाली मुकम्मल तौर के ऊपर, जो कि उनको मैं अपना जाती मुकदमा ना दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी वकील को जज करने की है कि आप अपनी वालदा का मुकदमा उनको देंगे कि नहीं, मैं ना दूं उसको आता ही नहीं है यार। और बात यह है कि इसीलिए, और सबसे बड़ा जुल्म, 3 साल में उनकी डिग्री हो रही है तो आप लड़कों का क्या कसूर है, आपको क्या, इसको कहते हैं 5 साल की डिग्री के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज के अंदर आप दोनों को बराबर करने के लिए एक चीज ऐड की है, उन्होंने सी लॉ का इम्तिहान डाल दिया जो साल में 2 दफा होता है, राइट। यानी 6 महीने उसको लड़का लॉ गेट में नहीं बैठ सकता जब तक वो सी लॉ का इम्तिहान नहीं देगा, 6 महीने उसके उधर लग गए, और उसके लिए उसको, उसके लिए लाजमी होगा कि वो पाकिस्तान का कानून पढ़े, और चूंकि उसको पाकिस्तान का कानून पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। फिर वो लॉ गेट देता है, यानी उसके 9-3 महीने के बाद, यानी 9 महीने हो गए या 1 साल हो गया, तो 4 और 5 का साल डिफरेंस थोड़ा बहुत फिर भी एक्सेप्टेबल है, नहीं बराबर होना चाहिए, बट उसके अंदर ये चीज नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने की है। उसमें भी डंडी मारने के कई तरीके वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पे तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, पाकिस्तान बार काउंसिल से हम बात भी कर रहे हैं। पहले उन्होंने लोकल के लिए तो कह दिया वो जी 4 कनाल होना चाहिए, 10 कमरे होने चाहिए, ये होना चाहिए, एक्सटर्नल वाले छोटे छोटे कमरों में उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, और वो इश्तहार देते हैं 3 साल LLB का, ये वो वगैरह, जब आप जाते हैं तो कहते हैं एक्सटर्नल है। बात तो ये है कि यहाँ पे आज नीचे हमारा इसको कहते हैं एक्सटर्नल फेक नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब मर्डर हुए हैं नीचे इस बार के, अभी उनकी, उनके बारे में बात हो रही थी। अच्छा। उसमें एक इंटरनेट यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड के अंदर मामला नजर आ रहा है। सो इश्यूज हैं भाई, बट आपके सामने अगर आप ये BZU की बात कर रहे हो, मेरी कोई उसमें अचीवमेंट नहीं है, सारा कुछ BZU वालों ने खुद किया, गालियां फिर भी मुझे पड़ती हैं किसने करवाई है। आपके इस दफा 2018 में बंद हो गया लॉ गेट, सॉरी ये 3 साल LLB, ठीक है, 2018 के फर्स्ट ईयर का सेकंड सप्ली इम्तिहान हो रहा है 2022 में, पहले साल वालों का। पहला तो मुझे ये बताओ, और उसमें कितने बंदे अप्लाई करते हैं, 11,000 अगर सप्ली में आ रहे हैं तो तुम मैं यह दसोगे टोटल कितने होंगे 3 साल LLB के फर्स्ट ईयर में ये बैठे हुए हैं। मुझे तकलीफ ये नहीं है कि उनका हक है, अगर वो बैठते हैं बैठ जाओ,
मेरे सामने इश्तिहार आए, मैंने 25 इंक्वायरियां की हैं, जिसमें से 20 के अंदर मुझे ये नजर आया कि बाउद्दीन जकरिया के इश्तिहार हैं, घर बैठे LLB हासिल करें, पुरानी तरीकों में 3 साल की डिग्री 2 साल में हासिल करें, किट्स लॉ कॉलेज लाहौर, मैंने ग्रेस इंस्टीट्यूट लाहौर, फर्स्ट डिवीजन का वादा है, मैंने पर्चे करवाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद करवाने के लिए भी मूव वगैरह कर रहे हैं। पता आपका आ गई वीजा ड्यू वाली बात, 11,000 बंदों ने अप्लाई किया, जी 11,000 बंदे ये आके थे, कर दिया। बाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी की अपने बीच में एक रिपोर्ट मौजूद है 2021 की, जिसके अंदर बाउद्दीन जकरिया ने ये कहा कि जी 2019 में जो 3 साल LLB का हमने इम्तिहान किया है, सीटें हमारी 4,000 थी, बिठा हमने 14,000 दी हैं। उनका अपना कहना है कि उनके 10,000 स्टूडेंट्स इलीगल हैं, आपकी रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहे हैं। समझें ये कि लाहौर बार के अंदर काम, लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार है, राइट? कुल वैसे तो वोटर्स की तादाद 32,000 होगी, लेकिन कुल तादाद काम करने वालों की 9,000 है। एक साल में बाउद्दीन जकरिया सपनी के इम्तिहान के अंदर 11,000 बंदा बैठा रहा है, जो कि पूरी बार एसोसिएशन की तादाद से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा दिल जिस चीज से करता है, सुप्रीम कोर्ट में हम मामला लेंगे कि सर ये देखें तो सही है किस तरह हो रहा है, हमारे पास इश्तिहार आ रहे हैं कि जी आपने नहीं भी पढ़ा तो हम आपको बिठा देंगे, हमारे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है कि फर्स्ट डिवीजन वादा 1,00,000 रुपए और आप एक्स्ट्रा देंगे, आप वहां पे आप वादा, तो इसमें आप मेहरबानी करके बिठा दीजिए, ये कर लें। बाउद्दीन जकरिया को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस करवा दिया, VC साहब को बुलवा लिया, बाउद्दीन जकरिया साहब अपने ये जो सप्ली का इम्तिहान कर रहे थे जिसमें वो लोगों को 11,000 को बिठाने लगे थे, जब हमने कहा तो आके कहते हैं वो जी हमने कागजात चेक किए, इनमें से 5,000 तो हमने खुद ही रद्द कर दिए कि इनके बनते ही नहीं, फर्स्ट ईयर में ही नहीं बैठे हुए सप्ली में बैठे, 6,200 लड़के बैठे, 6,200 लड़के बैठे। मैं उसके बाद उनके चंद जराए के कहने के मुताबिक, शायद असली उनके कहने के मुताबिक, उनका बंदा कह रहा था मैंने भी वेरीफाई नहीं किया कर लूँगा, 700 असली 11,000 से शुरू हुए थे सप्ली में, 700 असली हैं उनके कहने के मुताबिक, और वो कहते हैं उनके कहने के मुताबिक उनकी अपनी रिपोर्ट मौजूद है बाउद्दीन जकरिया के, 10,000 नकली हैं लड़के, 19 में उन्होंने बिठाए, 42 लॉ कॉलेजेस ने, उनके कुल लॉ कॉलेज 47 हैं, 42 लॉ कॉलेजेस ने ज्यादा बंदे बिठाए हैं, पैसे पकड़ लेते हैं मार्केट में से, आ जा तेरा भी हो गया, तेरा भी, तुझे मैं सिपली में बिठा दूंगा, तुझे मैं इसमें बिठा दूंगा, तुझे मैं इधर बिठा दूंगा, तुझे मैं बैकडेट में बिठा दूंगा। फ्रॉड ये हो रहा है इश्तिहारों के अंदर, आपको ये नजर आता है 3 साल LLB शर्त ये है कि आपकी ग्रेजुएशन 2018 से पहले की होनी चाहिए, वो क्यों लिखा जाता है कोई बता सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 18 में आया है, तो उन्होंने अगर ये दिखाना है बाद में तो नहीं, ग्रेजुएशन के 2018 बंद हो गया, अगर उसके इम्तिहान में बिठाना है तब बिठाएंगे। तो ये मसले वगैरह बहुत सीरियस हैं, और ये लिटरली मुझे कोई फर्क नहीं, शौक नहीं है गालियां खाने का और ये करने का, बट मामला ये ना किसी के हक के ऊपर मारने का। और अब तो बाउद्दीन जकरिया लड़कों को ये कहता है, मैं क्या कहूँगा, सेकंड ईयर वालों के ध्यान ही ले रहे कि जब फर्स्ट ईयर वाले जब पास करेंगे तो हम फिर आपके लेंगे, और वो लड़के सेकंड ईयर वाले हमें गालियां निकाल रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से रुका हुआ है। जिस लड़के ने फर्स्ट ईयर पास कर लिया उसका क्या कसूर है कि वो बाकियों का इंतजार करें, कि जब जब सारे के सारे जो फेल हुशुदा जो बच्चे हैं वो पास होंगे और तब हम उनका इम्तिहान लेंगे। बात तो ये है कि लिटरली यहाँ पे और करोड़ों की, यार करोड़ों की नहीं अरबों की ये गेम है, इससे ज्यादा कोई प्रॉफिट मेकिंग कोई बिजनेस ही नहीं है यहाँ पे। आप लॉ कॉलेज आप 100 ना टीचर की जरूरत है, एक बोर्ड लगाएं शेखुपुरा स्कूल ऑफ लॉ, डॉक्टर पता नहीं PhD का बीच में है, पूरे शेखुपुरा में बोर्ड लगाए हुए, घांग रोड पे मेरा कैंपस और मेरा एक और जगह पे कैंपस है, कैंपस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ब्रदर इन लॉ का घांग रोड के ऊपर प्रॉपर्टी डीलर का पान शॉप के ऊपर एक छोटा सा दफ्तर है, उधर डिग्रियां बैठ के BZU की बुक करता था। और जब वो हमने उसको नोटिस भेजा तो बड़े बड़े अहदेदार आ गए कि छाड़ दो, उसका करियर तबाह हो जाएगा अगर उसके खिलाफ हमने कोई कर दिया, वो PhD है। मैं क्या गंदी बात करूं, और PhD से कुछ और भी बन सकता है, बट मेरे ख्याल में उसने सारा
भाई अपने अपनी मदद आप ही करो। अब करने को तो मुझे अभी सियालकोट के सेक्रेटरी साहब का कल मुझे मिले, दो दिन पहले भी कॉल की थी कि आप आए और आप हमें लेक्चर दें, मेरे को नहीं काम पे आया। बात तो ये कि मैं मुबाद कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है और मैं आप कर भी दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। भाई मैं चाहता हूँ कि आपके लोकल लेवल के ऊपर हो, मैं आप हर जगह के ऊपर मोहम्मद कयूम का इंतजार नहीं कर सकते कि मोहम्मद कयूम आएगा तो होएगा, तुम खुद क्यों नहीं करते भाई? मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई, अपनी मदद के ऊपर आप जाओ, आप अपना एक उसको बुलवाओ, अपने टीचर को बुलवाओ या अपने उस्ताद को बुलवाओ, अच्छा है बुरा है उसको सामने खड़ा करो और कहो कि यार सीपीसी है तुम अंदर से गल करनी है कि पटिशन कैसे होती है, ये मोबाइल है उसके सामने यहाँ पे मोबाइल लगा के खड़े होकर रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड भी ना करो यार कर लो तुम लोग, तुम्हारी बार एसोसिएशन लिख के मुझे भेज दे कि जी इन लड़कों ने 12 दिन के लिए कोर्स कर दिया, मैं तुम्हें फिर भी लाइसेंस दे दूँ। ये अलबत्त बात है कि 6 महीने के बाद मैं कहूँगा कि उन्होंने वीडियो भी बताओ कि आपको बिस्मिल्लाह करवा के मैं जबरदस्ती आपकी बार एसोसिएशन से करवाना मेरा मकसद है, और ये लाजमी है आपका आपकी बचत ही इसमें है और ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आपको सिखाया जाए कि वकालत कैसे करनी है, आपके इलाके में पिटीशन कैसे बनती है, क्योंकि ये बात तो साबित है। मैं सारों को लाइसेंसेस के इंटरव्यू लेता हूँ, लड़के को 6 जो 20 केसेस देने होते हैं उसको पता ही नहीं होता उसकी लिस्ट किसकी है, सारे जाली होते हैं, आप ना फाइलें देखते हैं। अगर मैं आपको बार एसोसिएशन में ये कहते हैं कि जी भाई अपने मुकदमे 20 तुमने देखने हैं और लिस्ट देनी है, तुम्हारे पे जुल्म नहीं हो रहा, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं। लाइसेंस तो आपको देने के लिए कि तुम्हें ताकि पता हो कि 20 फाइलें तुम्हारे हाथ से गुजरी हैं कि 21वां मेरा मुकदमा किस तरह तैयार करना है। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लड़का खुद बनाता है अपने उस्ताद की तरफ से, दस्तखत भी खुद ही कर देता है, 20 केसेस की लिस्ट भी अपनी खुद होती है, अब सामने स्टैनो को पकड़ के उसमें हमने पर्चा करवाया उससे बनवाते हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल देके करता हूँ। वकील साहब मेरे पास आया हाईकोर्ट के लाइसेंस के लिए, अंदाज ही उनका डील डोल रही इस तरीके से, इस तरह करके बीच में हाईकोर्ट का, मैं कह जी आपकी वो आप माइंड करेंगे अगर मैं आपसे कोई सवाल कर लूँ जरा इसके ऊपर, आप हमारे से सवाल करेंगे, इंटरव्यू हो रहा है, मैं कानून का आपसे एक दो चीजें पूछ, आप हमारे से कानून का सवाल करेंगे? मैंने कहा जी थोड़ा जो इस वास्ते फलान रूल देते हैं, अच्छा चले बताएं आपका ये, मैंने कहा जी वो आपकी लिस्ट लगी हुई है 20 के लिस्ट लगी हुई है और जिनने फाइल बनाई थी उसने बीच में हाईकोर्ट के लिए आया, मैं नीचे वालों के साथ मैं बिल्कुल सख्ती नहीं करता अनलेस उन्होंने कागजात फेक बना के लगाए, अच्छा लिस्ट लगी हुई है और जी उसने बना के रख दी थी बीच में वो जो ये फॉर्म वगैरह जिन्होंने से मैंने जमा करवाया था उन्होंने। मैं कहा चलें ठीक है, पिछले 6 महीने में कोई केस किया आपने? वकील साहब हाँ हाँ मैं 12-2 तक कीता है। मैंने कहा जी 12-2 क्या चीज होती है? वो कहता है पार्टी बनने की एप्लीकेशन होती है। मेरे साथ कामरान बशीर मुगल बैठा हुआ था, तो कामरान बशीर और ये हाईकोर्ट के लिए तो वो फौजदारी का मुकम्मल तौर पर काम करता है कामी, तो कहता है कि और दोस्ती भी हमारी यही है कि हम दोनों मिलकर इंटरव्यू करते हैं, हमारी बनी हुई है। कामी कहता है कि ओके ठीक ठीक है यार, फिर ऑर्डर 1 रूल 10 क्या होता है? कहता नहीं पता। उसने ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 10 क्या होता है? नहीं पता। हाईकोर्ट के लिए अच्छा, मैंने कहा चलिए बाकी चीज़ें आप सब छोड़ दीजिए, आपको हम देना चाहते हैं लाइसेंस, ये बता दें कि हाईकोर्ट का आप लाइसेंस मांग रहे हैं तो हाईकोर्ट में रिट का बेशुमार काम होता है, रिट कौन से कानून के तहत होती है? कहता है सीपीसी। अच्छा तो नहीं आपने लाइसेंस देना तो आप ना दें, ये करके ना उठ के नाराज होके बीच में बाइक चला गए। कामी ने कहा कि यार ये बड़ा सख्त बोल के गया थे, इसका ना इसका हफ्ते के लिए नहीं पुट ऑफ करना, इसका महीने के लिए पुट ऑफ कर, लेकिन हमने ऑर्डर कर दिया। अब हम बाय 5-6 और बंदों का हमने इंटरव्यू किया, बाहर हम बाहर निकले तो वो ना 5-8 बंदों के साथ हमारा इंतजार कर रहा था वकीलों के साथ, और उसने हाईकोर्ट का गाउन ऑलरेडी पहना हुआ था, लाइसेंस ये तो उसको जरूरत ही नहीं है, उसने ऑलरेडी हाईकोर्ट का गाउन पहना हुआ था, उन्होंने हमें गोलियां करा रहा, मैंने सर नीचे करके ना हम निकल गए। 4 दिनों के बाद
चार दिन नहीं बल्कि दो हफ्तों के बाद, हफ्ते दस दिन के बाद कॉल आती मुझे वीसी साहब की कि जी हाईकोर्ट का फलां अहदेदार आया हुआ है 20 बंदों के साथ के वो आपने ऑर्डर कर दिया बड़ा सख्त सा इस लड़के का, तो उसको लाइसेंस दे दें। कामी से भी हमने कर लिया, कामी कहता है कि अगर मोहम्मद कर देता तो ये सारे का साथ। मैं कहा मैंने ऑर्डर कर दिया मैं तो नहीं करूँगा, तो नहीं नहीं कर देंगे वगैरह। मैंने कहा आपके जो है अहदेदार उसने फ़ोन पे आ गए कि जी इसको कर ले। मैंने कहा जी आप कि हम 15 दोस्त आए हैं। मैंने कहा जी 15 दोस्त आए हैं, दो हफ्ते के बाद उसका है तो एक एक दिन करके उसको अगर पढ़ाई दोगे तो उसके साथ कोई जुल्म तो नहीं हो जाएगा बंदे के साथ। तो वो है और लिटरली उनका नहीं जी आप वापस करें, आप आपकी जरूरत कैसे आप सवाल करते हैं। और लिटरली नीचे जाके सारे के सारे आप दोस्त ही बीच में पकड़ के हमें फिर बोलते हैं कि जी बड़ा मुश्किल सवाल करता है वगैरह, वो सवाल करता है। हमारे रूल्स के अंदर लिखा हुआ है आपके सामने सिकंदर जावेद को मैं चूमता हूँ, क्यों? उसने आके क्या कहा अपना, उसको लाइसेंस के लिए क्या हुआ था, उसने जब अप्लाई किया था इब्तिदा में 3 महीने के लिए उसने खुद कहा कि मुझे डिफर किया गया। उसने तो नहीं उसके घर जाके या उसको कुरियां कराई या उसके वहां पे ये लगा दिया। अगर हमें इसीलिए स्टैंड लेना पड़ता है। मुझे कहते हैं, मुझे लड़के मेरे अपने सपोर्टर आके कहते हैं जी बड़ी आपके खिलाफ नफरत है नीचे सिविल कोर्ट के अंदर आप इंटरव्यू करते हैं। इशू ये है कि इस प्रोफेशन को ठीक करने के लिए और आपके साथ ये वक्त लगाने का मकसद ही है और आपको बोर करने का मकसद ही है कि मैं असल में लगता है असल मकसद है कि मैं अपने दिल की आज भड़ास निकालूं क्योंकि मैं बड़ा करके या मैं कहना कितने फंस गए करके ये वाला है। बट ये भाई देखो ये कि इस चीज़ को आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि इसको ठीक आपने करना। बात सीधी सीधी है, आपने आगे जाके अहदेदार बनना है, आपने अपनी साइट के ऊपर ये सारा कुछ करना है और ये चीज़ें वगैरह मुझे एक इंच का भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी वकालत और ये जो चीज़ें वगैरह वो अपनी साइट के ऊपर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील। बट स्टांस इसीलिए लिया जा रहा है कि इस प्रोफेशन को आप स्टैंडर्ड लो करके नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको अपने आप को ऊँचा रखना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि ये बड़े आदमियों का प्रोफेशन है इसीलिए आप बड़े होंगे। अगर आप नीचे ये करेंगे तो अभी भी नीचे ये बहस हो रही थी कि वो बच्चे के नाल बड़ा जुल्म है, बच्चे की फाइल गायब है उसको हाईकोर्ट का लाइसेंस दे दो, प्रोफेशनली दे दीजिए, कागज बनते रहेंगे पता करके। या फिर ये बात हो रही है अभी नीचे हमारी लड़ाई होके आई है अभी ये कि जी वो लड़के ने पास कर लिया था उसको कहते हैं आपका जो एग्जाम था बार काउंसिल का वो पास कर लिया था 2018 में, उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया तो अब लॉग एक्ट उसको देने की नहीं ज़रूरत, अब उसको नहीं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था मगर उसने लाइसेंस फॉलो अप नहीं उसके बाद किया, इम्तिहान में वो बीच में बैठ गया था पास हो गया तो अब लॉग एक्ट के बगैर उसको इम्तिहान दे दिया। सारों को पता है कि बीच में रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद 2018 से पहले का इम्तिहान में कौन बैठा था किस तरीके से बैठा था ये सारे का सारा। तो बैकडोर से अंदर घुसने के लिए बड़ी लड़ाई हुई है कि आप लड़कों के खिलाफ हैं, हाँ शायद चलो फिर यही समझ लो मैं इस तरह के लड़कों के खिलाफ होंगे जिन्होंने 2018 में इम्तिहान पास भी कर लिया था बट कितने इनोसेंट थे कि उन्होंने लाइसेंस नहीं हासिल किया। और बात ये कि ये रास्ता करने के लिए काफ़ी बोर किया, काफ़ी दिल की भड़ास निकाली। आई होप यू गाइस ये इंजॉय करें बीच में, अगले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। एक मुबारकबाद आपको मैं दूंगा, आधा आपका कोर्स मुकम्मल हो गया आपने वो जितनी पेशेंस के साथ ये देखे, आई होप यू एंजॉय इट एज वेल बिकॉज प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि मुझे भी फ़र्क नज़र आ रहा है आप तमाम दोस्तों के अंदर। नोट्स वगैरह करके ये लेक्चर का मकसद नहीं है, ये आपसे करवाना मकसद है। आगे जाके अगर आप जो लेक्चर्स है वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, आप बताइए अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप और करवाना चाहें कुछ, कोई तब्दीली वगैरह करवाना चाहें। एक डेढ़ कमी कोताही मुझे नज़र आ रही है उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कोई चीज भाई सर आप सही जा रहा याद में शहीद हो जाता है के साथ साथ जो आप यूनिवर्सिटी वालों के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं वो भी आप जवाब कर रहे हैं मतलब आप डिजाइन कर रहे हैं। हां हां उनका सर लाइसेंस सस्पेंड हो जाता फुल टाइम वालों का हाँ हो जाता है बिकॉज उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिलता है। अभी ये हमारे पाकिस्तान बार ने एक नोटिफिकेशन भी कल रात को इशू किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है।
उसमें भी थोड़ा बहुत वैसे अभाव है, अगर लॉ से रिलेटेड कोई चीज करें, प्रिंसिपल ये है बेसिक कि आप वकालत का लाइसेंस सिर्फ उस बंदे के पास होगा जो वकालत करेगा, कुछ और अगर कर रहा है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। अगर टीचिंग रहे तो उसको ही डजंट नीड द लाइसेंस टू अपीयर इन कोर्ट। अच्छा सर, ये हाई कोर्ट में जो मुंशी राज काली टाई काला कोट पूरा ड्रेस कोड में वकील बन के घूम रहे, अगर उसमें से कोई वकील का यूनिफॉर्म है तो रिसेंटली एक फेक वकील का मुंह काला किया गया, पीट पीट पे वो इधर तक ले गया है। मैं नहीं चेक कहता कि आप वो करें, अगर आप करेंगे तो आप। और जहां तक हमारी बात, आप आइडेंटिफाई करें तो टाई मैं उतरवाऊंगा, शायद और चीजें भी उतरवा। आपको फोन करके बता दिया यार, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, एक और लतीफे लाइट मूड में हमारा चल रहा है आज वैसे ये करके। ये है शोभा की करे लतीफा। शोएब अख्तर ना एक जब क्रिकेट का यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो उसकी एक ऑडियो चली थी, शायद जाली थी बट किसी ने चलाई थी। अच्छा, पैंतालियां ते आउट हो जाते ने ते कहने के शोभा करेगा, ते उन शोभा की कर रहे बैठ के सारे का सारा, ते हुण तुसी कह रहे हो कि मैं हुण ताइयां भी मैं ही लानी है ते तुसी कुछ नहीं करना सारा, तो शोभा की करे भाई, यूनिवर्सिटियां भी मैं ही बंद करानियां ते करके 5 बजे जाके भी दफ्तर के अंदर काम भी करना है। अब्बा जी का सवाल सवाल आ गया है, उन्होंने जाते ही पूछना कि वो एक कंपनीज ऑर्डिनेंस का कढ़िया कि नहीं, मैं लेक्चर करा रहा था, उन्होंने कहा लेक्चर शेक्चर छाड़ पकड़ के अब्बा जी मेरे यही कहते हैं मुझे। एक दिन में चीज रही थी, अभी आपने बताया कि मलिक साहब से आपकी साइटेशन वगैरह पूछते हैं तो वो कहते हैं खुद लग जाके, मैं उनको नहीं कह सकता। उसने पकड़ के मुझे यही कहना है सर आप ये खुद ही निकाल लीजिए ना जी। नहीं, वालिद वालिद के साथ, वालिद के साथ वकालत करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। अतारी साहब ने भी आपके जात की बात की है तो मैं खैर कहना चाहूंगा आपके लिए कि हम गुमनामे के अंधेरे में थे, हमें पहचान बना दिया दुनिया के गमों से, हमें अनजान बना दिया। अहमद फयूम साहब की हम पर ऐसी मेहरबानी हुई कि हमें उन्होंने एक अच्छा इंसान बना दिया। दुनिया में है मुख्तलिफ अंदाज के लोग, दुनिया में है मुख्तलिफ अंदाज के लोग, बेपर्दा है सादा और हिजाब के लोग। यार तू तेरे घर में पर्दा और ला नहीं करके, तेरे पीछे ही बह गया तू करके, एक पर्दा नहीं जीव बीबिया दे हो गया होगा यार पक्का, दो 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 तीन तीन हो गए होंगे तुझी की गल कर। हाँ क्या हुआ? हाँ यार देखो कॉर्पोरेट का सवाल ही नहीं पैदा होता अगर आप इब्तदा के अंदर, अव्वल तो ये 6 महीने ट्रेनिंग वाला सिलसिला कॉर्पोरेट आप नहीं कर सकते अगले तकरीबन 2-3 साल के लिए, और ये गदापन होगा अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट का इब्तदा के अंदर सोचता है। बात यह है कि कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स अनलेस आपके अब्बा जी बड़े बिजनेसमैन हैं या आपके अब्बा जी का बहुत बड़ा चेंबर है, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रोज़ मेरे पास आते हैं मोहम्मद भाई आपका कॉर्पोरेट का चेंबर है तो आप हमें ये अपने पास रख लें ये कर लें, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको उसकी वजह मैं बताता हूँ। पहली बात, कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स मार्केट के अंदर मे बी 2-5% है, ठीक है? तो आपको कोई चीज़ है कि और वो आपको इब्तदा के 5 या 10 साल में नहीं मिल रही। जो इस कोर्स का मकसद आपको वो चीज़ें सिखाना है जो आपको इब्तदा में 5 या 10 साल के अंदर आपको काम आए और जिससे आप कमा सकें। मैं आपको कॉर्पोरेट सिखा देता हूँ, कॉर्पोरेट चेंबर में जाना भी मत। क्यों? कॉर्पोरेट चेंबर के अंदर अगर आप जाओगे तो आप नौकर से ज़्यादा नहीं रहोगे अगले 5 साल के लिए, आप उनके एसोसिएट होगे,
काम आप करोगे, जिस दिन आप वो दफ्तर छोड़ के जाओगे क्लाइंट वहां पे ही रहेगा, आप जीरो पे होगे, आपको सादा मुकदमा भी नहीं करना आता होगा, और आपको जो तनख्वाह के ऊपर आपको रखा हुआ है, भाई तुम क्या कॉर्पोरेट चेंबर में जो मर्जी तुम्हारे क्रेडेंशियल हो, तुमने बाहर से भी किया हो डिग्री वगैरह, 15-20 हज़ार रुपये रखेंगे, राइट, ठीक है महीने के। अगर उन्होंने पैसे आपको इब्तदा के अंदर दिए, किसी सिफारिश से चले जाओ या वैसे चले जाओ, मुकदमा अगर तुम एक छुपे का कर लेते हो या इनहेरिटेंस का कर लेते हो, 25,000, 30,000, 50,000 लाख रुपए, अगर कोई करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक दावा अगर आप कर लेते हो, 50,000 मिल जाते तो वो क्यों नहीं तुम हासिल करते। बात तो ये कि जिस नौयत का काम तुम्हें इब्तदा के अंदर हासिल कर सकते हो, कॉर्पोरेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप मुकदमा अगर करना होता है कंपनी एक्ट लॉ के अंदर और बैंकिंग वगैरह के अंदर, वो आपको हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के अंदर कंपनी जज बैठता है, 2 साल के बाद हाईकोर्ट के लाइसेंस के बाद आपको मिलेगा। तीसरा, आप में से आपको नहीं सारों को अच्छा पड़ेगा, मगर कॉर्पोरेट के अंदर आपके अगर आपकी लोकल एनएलबी की डिग्री है और आपकी अंग्रेजी टॉप लेवल की नहीं है, तो मेरे से आप माजरत है लिखवा लीजिए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कॉर्पोरेट में सक्सीड करने लगे। अगर आपके अंग्रेजी के पहले जुमले के अंदर 5 गलतियां हैं या 3 गलतियां हैं, आपको आइंदा काम मिलेगा नहीं। आप किसी सिफारिश से आए होगे, आप मेरे चेंबर में बैठे होगे और मुझे शायद आपके 6 महीने के बाद नाम भी नहीं पता हो, क्योंकि मैंने आपको काम करने के लिए दिया था, उसमें 12 गलतियां थी, दूसरी दफ़ा जब ठीक करके दिया तो फिर 5 गलतियां थी। मैं, मेरे पास तो नहीं है टाइम कि मैं बैठ के आपकी गलतियां भी ठीक करता रहूं और मैं अपना उस बंदे को दूंगा जो खत बना के मेरा आगे भेजे, मुझे कॉर्पोरेट क्लाइंट गालियां निकाल रहे अभी तक आया नहीं ये कह। सो कॉर्पोरेट सवाल ही नहीं पैदा होता। टैक्सेशन इसलिए सवाल नहीं पैदा होता, टैक्सेशन के ऊपर एक लेक्चर रखा है फरहान शहजाद साहब जो बहुत ज़बरदस्त है टैक्सेशन में, कि उसके अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश है यंगस्टर्स की, मगर टैक्सेशन का फिर ये मसला है कि टैक्सेशन मार्केट के 10% बंदे हैं, इस्टैब्लिश चेंबर्स मौजूद हैं, आपने अगर तो उनके रिटर्न्स फाइल करने 5-5 हज़ार रुपए लेके तो 100 बिस्मिल्ला। आपको मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपको हम वो काम सिखा रहे हैं जहाँ पे आप जो इब्तदा में आपको जाती तौर पे आ सकता है। फरहान शहजाद आपको टैक्सेशन के बारे में पढ़ा के तो चला जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बने। अगर बाय द वे अगर आपकी तमाम दोस्तों को अगर आपकी फॉर एग्जांपल डिग्री क्या 5 साल आप 5 दफ़ा फेल हो गए हो ना उसमें, उसमें तो आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ें आप कर सकते हो, बट यहाँ पे हम आपको वकालत सिखा रहे हैं। आपका मेरी थ्योरी और इसके अंदर ये, इस वजह से बैंकिंग आपको मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन बैंकिंग का आपको इब्तदा में काम नहीं मिलेगा। ये 2 साल के बाद आपका जब थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाएंगे, वो आपसे पूछते हैं हाईकोर्ट का लाइसेंस है कि नहीं, जब होगा उस स्टेज के ऊपर। सो ये वाली जो आप फील्स कर रहे हो मैंने निकाली, मैंने आपको उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन और रिटेन नहीं मैं पढ़ा रहा, क्योंकि आपके बाप 2 साल में नहीं कर सकते अगले, जब तक हाईकोर्ट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक लेवल के ऊपर तो मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कह के हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन, तो बगैर 12 वोकेशनल कोर्स है किएगा। मेरी थ्योरी ही ये है कि आपको वो सिखाना है जिससे आप कमा सको, और जिस नैया के केस आए आप रिट कर ही नहीं सकते तो आपके पास किसने आना है, आप में मेरे पास लेके आना है। यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि फरहान शहजाद साहब का कोई लेक्चर रखा जो ऑलरेडी आपने अपने शेड्यूल में इंट्रोडक्शन टू उसने रखा हुआ है फरहान ने। बट यार देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके सामने लेक्चर के लिए मैं बहुत बड़े बड़े नाम भी और रिटायर्ड जजेस भी मंगवा सकता था, लेकिन उन्होंने निरा आपको लेक्चर दे के चले जाना। मैं आपके सामने अमूमन वो बंदे लेके आ रहा हूँ जिन्होंने काम जिनका हाथ से गुजरता है और जो आपको काम की गुर बताए। अगर तो आपको ये शौक है कि जी आपने बड़े बड़े लोगों के साथ यहाँ पे मिलना है, तो उसके लिए आपको और आपको सेमिनार्स मिल जाते हैं। 12 वोकेशनल कोर्स में आप ये नहीं कर सकते, करूँ बंदे चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। टैक्स का एक्सपर्ट है, देखिए वही सिर्फ चीज है। अदरवाइज करने के लिए तो मैं अपने चेयरमैन को भी बुला सकता था, शायद ना बुलवाने पे मेरे से नाराज भी हो। ये मैंने लॉन्च किया और उनको नहीं बुलवाया, उनसे फीता नहीं कटवाया, शायद इसीलिए खाना आपका बंद हो गया। करवा दे अरेंज वगैरह करके, कोई सेक्रेटरी वगैरह देखते हैं, वो मैडम रुश्ता वगैरह की जिम्मे मैंने लगाया।
इनकम टैक्स के देखो बैकग्राउंड अगर आप रख सकते हो तो सौ बिस्मिल है, इसलिए मैंने फरहान का डाला है कि इब्तदा में आपकी वहां पे कमाई वगैरह हो सकती है। मेरा अवलीन कोशिश ये है कि आप कमाई करना जल्द अज जल्द सीखें, बाकी कोई चीजें मुझ मेरी कंसर्न इतनी ज्यादा नहीं है, और कानूनी तरीके से करनी सीखे। और आपका सारे का सारा रुझान ही उस साइड पे, मैं नहीं चाहता आप किसी के एसोसिएट बने, नहीं तो मैं लेक्चर रखा होता, मैंने किया हुआ दिया हुआ है कि जी किस तरह का चेंबर चूज करें। मैं तो आपको यहाँ पे इसलिए लाया कि आपको वकालत करनी सिखानी है ताकि आप जल्द अज जल्द खुद कमाना शुरू करें, उस चेंबर में खुद कमाना शुरू करें या अपना अलहदा शुरू करके किसी के साथ पार्टनरशिप करके। अपना चेंबर आपको इब्तदा के अंदर नहीं बनाना, खर्चे इतने ज्यादा कि कमर टूट जाती है। कोशिश करें ऐसा चेंबर ज्वाइन करें कि जहां पे आपको अपना काम करने की इजाजत हो, उसके बाद आप अपने किसी के साथ पार्टनरशिप करें दो तीन दोस्तों के साथ, ताकि आपकी कीमतें कॉस्ट वगैरह डिवाइड अप हो जाए। एक बंदा काम ले आए जिस जो वेल कनेक्टेड है, पोलिटिकल है, एक काम जिसको करना आता है वो साथ हो जाए, और बिजली के जो खर्चे हैं आपके आधे हो जाए, किराए आपका आधा हो जाएगा, और इस तरीके से आप पकड़ के आगे लेके जाएं, और प्रॉफिट्स वगैरह आप जो भी हैं वो आपस में शेयर करें। इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे दो साल के बाद, अभी आपका सारी गेम ही ये है वकालत करनी सीखी। सर गाड़ी किसी की है, रेंट पे लेके गया, वो आगे स्पीकर देता है और उनके दरमियान गाड़ी पर। अब मैं उसमें असल मालिक उसमें मैं बे ही हूँ, तो दूसरी तरफ से ना 20 से 25 उन्होंने आते ही जज की माँ बहन सी गाड़ी जैसा रेडिक हो गया, और मेरी गाड़ी हो गई। मेरा पहला केस था, मैंने बड़ी तैयारी की लेकिन लास्ट में हमारे एक बात है, तो लगा के आया तो जब मैंने लगाई ना तो मुझे याद है, तो मैंने जैसा को मैं जैसा कुछ बच्चे निकाल तो बगैर पैदा होंगे बड़े नहीं जड़े हैं ना जो फैसला कर। जज नु कह रहे थे, दूजे वकीलों नु कह रहा था, जज तो कह गया मैनू कह गया यार। आगे की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब बाहर में निकला वो मेरे साथ वाले कहते हैं माँ पहले कर। अब मैंने दिल में सोचा कि ये बात मैंने इन्हें लगाई थी, जाली को मैंने भी लगाई थी। इसी तरह एक केस था, मैं जज साहब के पास पेश हुआ, आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, हमें पता नहीं चल रहा है, आप जरा सर मैं आपके चैंबर में आया था, खड़े हो गए बता दें जरा सब क्या है, मैंने किन्नू लाई थी मैंने इधर ऐसा है जिसकी इतनी प्यारी आवाज आ रही है। मैंने उन्हें बताया सर मैंने ना गल इन्हें लाई थी, कानून से लाई थी, मैं डॉक्टर स्कूल का कहता बेटा इन्ना कहना दिमाग होता ना इन्हें उसे टाइम में गल समझ लेनी थी, अगर इन्हें कुछ कानून पढ़े होंगे तो मैंने बात नहीं थी, इसलिए इन्हें तो दिमाग भी थी इन्हें बाहर जाए कितने पहले दे दो या बाद में बीच में दे दो, उसके साथ अगर वो खारिज भी कर रहा है तो आपके सारी चीजें इसके अंदर लिख के दे देगा, इसके मुताबिक आपको आपके लिए सहूलत होती है। पर्सनल ट्रांसफर एप्लीकेशन भाई मैं यही कह रहा हूँ कि सिस्टम टूटा हुआ है, दो नंबरी बेशुमार यहाँ पे है। मेरा अपना दिल चाहता है कि कई दफ़ा सिविल कोर्ट में मैं रेगुलरली जाता हूँ कि मैं कुर्सी उठा के जज के सर में मारूँ, लेकिन नहीं मारता,
बात यह है कि ये ठंडे ठंडे बंदों का प्रोफेशन है। आपके ख्याल में कायदे आजम ने कितनी कुर्सियां मारी थी? गोरा बैठा होता था, हिंदुओं ने सारे का सारा वहां पे वकालत के ऊपर कब्जा तकरीबन किया हुआ था। एक इसको कहते हैं मुसलमान बॉम्बे के अंदर अगर है उसके लिए मुश्किल नहीं थी, हमेशा ही होती है। वकील वही बंदा है जो कि डिफिकल्ट सर्कम्स, अदरवाइज तुम्हारी क्या जरूरत है अगर वकील करने की उनको, वो भी बदमाश कर लेता क्लाइंट वगैरह। अब तुम पड़े इस चीज के अंदर हो, ये आसान प्रोफेशन नहीं, आसान होता तो बंदा खुद कर लेता। और उसको मसला आ रहा है उसके अंदर, तोड़ आपने ही निकालना है और अपने आपको गोलियां मार नहीं खानी, वो भी है उसके अंदर जिस हद तक हो सकता करें, अदरवाइज फिर आगे लेके जाना। आपके उस्ताद ने कहा हुआ ये भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है। मैंने शायद एक्सपीरियंस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं शहजादा मोहम्मद अहमद की हूँ, तीसरी पुश्त का ये है सारे का सारा सिलसिला। बट हाँ, मुझे उसके नेगेटिव भी बड़े मिलते हैं वाले साहब की वजह से, जो नापसंद करते हैं भी मेरे से चढ़ाई करते रहे, जिनकी नहीं उनके साथ बीच में बनती और बेशुमार लोगों की नहीं बनती, वो ना मैनू जानते हैं ना मेरा कोई चीज वगैरह, उड़ उड़ के पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ मैं थोड़ी कोई चोरी की हुई है ये, वो इस तरीके से वो है। बात ये हर बंदे के पास एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने आप को मेरे से नहीं आप जज कर सकते। मसला ये है आपका पेन, आपकी तकलीफ, आपकी भूख, आपके सर्कमस्टांसेस, वो आपके हैं। रास्ता भी निकालना आपने है, आप किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन गलतियां भी आपकी होंगी, सक्सेस भी आपकी होगी, आपने खुद करना है। आपके वालिद तक की नहीं होगी, ये आपको करना पड़ेगा। ये दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, अदरवाइज इसको कहते हैं बहस तो मैं करता, मेरे अब्बा जी तो नहीं करते। और किसी बंदे क्लाइंट को ये शौक नहीं कि मलिक कयूम के पुत्र नू दो, मोहम्मद अहमद कयूम कॉम्पिटेंट वकील है इसलिए मुझे काम मिलता है, मुझे अगर काम करना ना आता होता मैं बर्गर वकील होता तो 2.5 मिनट में भाग जाए। उनको कोई स्वभाव होता है कि मुझे इस्तेमाल वकील वगैरह ये करेंगे, मैं क्योंकि अच्छा हूँ मैं आपको इस लेवल के ऊपर लेके आओ, या फिर तुम भी 5-7 लेके जाते ना दोस्त। उस्ताद को कहते कि तुम मैं कला भेज देता उस्ताद जी, तुझे देखो मैंने कुरान पाक की आलम का कोर्स किया, उसी दौरान ही मैंने अपनी ये दुनियावी पढ़ाई भी जारी रखी, प्राइमरी से लेके एमए तक जो है मैंने घर बैठ के पढ़ा। तो इसी इंग्लिश जो है मतलब वीक है, तो इंग्लिश के लिए जो आप कोई बताएंगे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का रूम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे। बहुत आसान तरीका है भाई, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट नाउ? गल है कि ना कोई अंग्रेजी का कोई टीका है ना ये, मैं कहता हूँ ये देखो जिस चीज के अंदर कमजोर हो ना उस चीज के ऊपर तुमने काम करना है, ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव करने का ये ज्यादा से ज्यादा करो। अंग्रेजी पढ़ो, लोग हंसते, मैं आपको कह रहा हूँ मैडम है ना, मेरे बेशुमार एसोसिएट्स ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत माठी थी, उन्होंने इस पर काम किया, वो मीलों आगे चले गए, वो ड्राफ्टिंग करते हैं, वो उसके कवानी ड्राफ्ट करते हैं। PhD भी मेरा एक एसोसिएट है, इब्तदा में कोई इतना खास अच्छा नहीं था, ड्राफ्टिंग के अंदर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर उसने बीच में PhD इंग्लैंड से करके आया। राजा नईम भी इब्तदा के अंदर इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था, अब वो लॉ सेक्रेटरी है। बेशुमार लड़के हैं और ये इन्होंने मैडम हिना ने इम्प्रूव किया, मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में दर्जनों गलतियां थी अभी भी शायद है, मगर वो इम्प्रूव करके जान मार के लाती है। आपका मामला ये जुबान ने अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो नहीं आएगी, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी, वो इसका जवाब बहुत आसान है, अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी, तो इम्प्रूव करने का तो ये। और मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता यार भाई तुमने अंग्रेजी अपनी ठीक करनी है तो अंग्रेजी ठीक करने का बड़ा आसान तरीका है, बोलो पढ़ो। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि फलान टेक्स्ट बुक पढ़ो, तुम्हें मैंने अगर कह दिया ना कि तुम जाओ जी वो इंग्लिश लिटरेचर की फलाह करो वो तो बोरेंगे, शेक्सपियर पढ़ो, शेक्सपियर ना यहाँ पे एप्लीकेबल है तो शेक्सपियर ना तुम समझ आ रही है कि ऐसी बकवास है ये मेरे तो नहीं पढ़ी जा रही। तुम्हें जो कहानी बच्चों वाली कहानियां पसंद है पढ़ो, तुम्हें कॉमिक्स पसंद है तुम पढ़ो, तुम्हें टेनिस की किताब अंग्रेजी में पढ़ो, तुम्हें मौसीकार कोई पसंद है उसकी अंग्रेजी की किताब पढ़ो। रवानी तभी आती है जब आप वो लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो और आप उस प्रोफेशन में आए हो जो जुबान के बगैर नहीं चलता। इम्प्रूव करने का यही तरीका है, मैं अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करो मैं रोज सुबह अंग्रेजी का क्रॉस अपने आप का जहन को चलाने के लिए एक गेम होती है क्रॉसवर्ड हर अखबार में छपती है,
कि अल्फाज वगैरह आपने उसमें से गैस करके लिखने होते हैं ये सारे के सारे। रोज सुबह गाड़ी में करता हूँ और लिख के लगाता हूँ। वो यहाँ पे वो बात कर रहा था ना सलमान सलमान सफदर कि नेल्ड इट क्रॉसवर्ड वगैरह, वो मैं इसलिए करता हूँ कि मेरी अंग्रेजी में जुबान और ज़हन चलना शुरू हो जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ऑक्सफर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बनाई है कि मेरी आदत मुझे बेहतर करती है। गड्डी में मैं करना है, गड्डी में मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, गाड़ी में या वहाँ पे बैठ के मैंने करना है, या मैंने फेसबुक के ऊपर। सबसे आसान तरीका, फेसबुक पे जो मैसेज लिख रहे हो या एसएमएस जो लिख रहे हो टूटी पर जी अंग्रेजी में ना लिखो, मेक श्योर कि आप प्रॉपरली कैपिटल कैपिटल लिखते हो, जो अंग्रेजी का प्रॉपर जुमला लिखो। मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी है। आपकी आदत अगर अपनी जब तक आप सीधी नहीं करोगे, ये छोटी छोटी एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से, कि आप छोटी छोटी अपनी आदत ठीक कर लें, उससे आपका मामला सारा ठीक हो जाता है। तो मैं कुछ और किताब ना पढ़ी ना समझ आएगी मैं क्या है कि एटॉमिक हैबिट्स वगैरह की लगा है बोंगियाँ मारे नुकता बता दिया तुझे मैंने। बात ये है कि आप अपनी जिंदगी में आदत ऐसी सेटअप करें। आप कोर्ट में यहाँ पे कर रहे हैं, लोग शायद दोस्त हंसे हैं, तू शायद बोंगिया मार, मेरे से अंग्रेजी में क्यों नहीं बात कर रहा, कर ले। आपका इससे बेहतर क्या मौका है कि टॉक। अच्छा, मैंने मेरी अंग्रेजी, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, अंग्रेजी का एक्सेंट नहीं था, कॉमिक्स किताबें वगैरह पढ़ के थोड़ा बहुत तो आ जाता था। अंग्रेजी के मौसीकी का मुझे बहज तक शौक है, आवाज़ मेरी बीच में कौए या लड़की जैसी है, बीच में पकड़ के, लेकिन मैंने ऊंची आवाज़ में साथ गाना शुरू कर दिया ताकि जाका खुल जाए। गाना वो क्या बीच में गा रहा है, क्या है वगैरह, मैं आपको कह रहा हूँ छोटी आदत ही आपके बड़ी डायरेक्शन में सही लेके जाएंगे। तो आप में किसी के पास कोई अंग्रेजी का टीका नहीं है, और आपका ये कहते रहना कि जी अंग्रेजी की वजह ना मैं मार पै जाती है तो मैं पास नहीं होता। 80% बंदे सिविल जजेस में ही फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी नहीं ठीक है, इस वास्ते अंग्रेजी बिच हो गया, ठीक करो, या फिर ना करो उर्दू में करो, और सिविल कोर्ट के वकील रहो सारी उम्र। हाईकोर्ट का अगर बनना है फिर ये हाईकोर्ट का अच्छा वकील बनना है तो मुझे उर्दू सीखनी पड़ी है ना। नहीं, एज एन उर्दू तो आती थी, मगर जिस लेवल के ऊपर अब मैं लिखता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, टेक्निकल उर्दू मैंने सीखी है। मैं अगर उर्दू सीखनी मेरे लिए लाजमी थी तो तुम्हें क्या बीच में है कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते। मैं उर्दू बेशुमार पढ़ता था बट उर्दू मीडियम वाला सिलसिला नहीं था। तुम्हारे लिए सिविल कोर्ट में मिलना एडवांटेज, और ये चीज़ तुम्हारी अंग्रेजी तो 5 साल के बाद आनी है भाई, राइट। तुमने तो अपनी वकालत अभी उर्दू में करनी है, उर्दू को अगर तुम छा जाते हो उसके अंदर तो बेशुमार मुफस्सिल में तुम्हें वकील मिलेंगे, उनके पास मेरे से ज्यादा मुकदमे हैं, दिल में उनकी 28 मुकदमों की लिस्ट होती है, उन्होंने हाईकोर्ट तक का लाइसेंस नहीं लिया हुआ बाबो ने कि बीच में ही मनु की जरूरत है, और वो पकड़ के छाए हुए क्या खूबसूरत वकालत करते हैं, क्या खूबसूरत दावा लिखते हैं, क्या खूबसूरत जवाब दावा लिखते हैं, और ये अंदाज के अंदर इनके उस्ताद जो थे किधर गए। हमारा जो उस्ताद था बीच में खासतौर पर डीजी खान का ही कह रहे थे ना भावल आप एग्जैक्टली। तो मैं आपको कह रहा हूँ जो आपके में कमी कोताही है उसको आप इस कमी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करके अपनी वकालत बना लो और उसको इम्प्रूव करो। मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बंदे को अपना इस प्रोफेशन के अंदर अपना उस्ताद मानता हूँ मियाँ अजगर अली एडवोकेट मांडवी वाले जफर में, सैयद अली जफर साहब के साथ के चैम्बर में जब मैं मांडवी वाले जफर में एस एम जफर साहब के बेटे के साथ काम कर रहा था तो एक लड़का ही बीच में काफ़ी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मियाँ अजगर अली था मेरे साथ, हमने मिल के 3 साल सिविल कोर्ट के अंदर काम किया। वो वहाँ पर बाद में छोड़ के गया तो मैं एक साल मैंने फिर अकेला सारे सिविल कोर्ट के केसेस हैंडल किए, हम्बल बैकग्राउंड से था। बट जब मांडवी वाले जफर उसने छोड़ा तो मुकम्मल तौर पे पॉलिश हो चुका हुआ था, बैंक अल्फला का लीगल एडवाइजर रहा है। मांडवी वाले जफर के क्लाइंट्स वो सस्ता ऑफर काम करता था तो मांडवी वाले जफर के बैंक अल्फला के क्लाइंट्स उसके साथ चले गए, उसने रिलेशनशिप उनसे बना ली हुई थी और कोई इतना ज़्यादा पॉलिश नहीं है। अलहदा गल है कि मियाँ अजगर को मैं अपना उस्ताद तो एक तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन हाईकोर्ट पर जब सेक्रेटरी का इलेक्शन जीता था तो मैंने उसको हराया था। नहीं, इसका लाहौर से मियाँ अजगर अली यहाँ से थे। उसका कहना चाहिए कि नहीं पूरी कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, बट हाँ वो पहले साल उसको हमने सपोर्ट किया था।
चुनिया का मुझे नहीं पता उसका, मेरे ख्याल में शायद चुनिया का नहीं है, बट हार गए थे दो दफा लड़े हैं जी, पहली दफा हार गया था और दूसरी दफा जब रिपीट कर रहा था तो मुझे कह रहा था कि ना या तू ना खड़ा हो, मैंने कहा नहीं यार बस मैंने उनको काम करना है तो इस तरह नहीं, वो था उसके ऊपर करके। सो आप जी हम ओके, उसको मैंने अपने उस्ताद को हराया हुआ, लेकिन वो आपके उस्ताद रहे देखिए उस्ताद, मैं उसको इस तरीके से कहता हूँ कि हमने मिलकर उससे ज्यादा मैंने किसी बंदे से नहीं सीखा, क्यों अली साहब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है लेकिन उन्होंने नहीं सिखाया, बट इसके साथ मैंने दिन सारा दिन सिविल कोर्ट में 18-18 केसेस किए हैं, मेरा उसके साथ है एक हद तक बीच में प्यार, अब थोड़ा सा मेरे से वो नाराज ही रहता है कि क्योंकि मैंने उसको हराया करके वगैरह, बट वो था उसकी भी। चलो मैं आपके साथ वजह शेयर कर लेता हूँ, आप ही जांचिएगा कि मैंने उसके साथ ज्यादा किया कि नहीं, पहली दफा सपोर्ट किया था हार गया, दूसरी दफा मेरे पास आके कहता है कि यार मोहम्मद मुझे पता चला कि तू खड़ा होना चाह रहा है तो मुझे रिपीट कर लेने दे, तू अगले साल कर ले। मेरा देखिए वकालत के अंदर सियासत में मैं बेसिकली इसलिए आया था और मेरा जेहन बहुत क्लियर है इसके बारे में, आप ओहदा हासिल करते हैं कुछ करने के लिए, और असगर के साथ भी बेसिकली ये था, मैंने उसको कहा कि मियाँ साहब आप मुझे कह रहे हैं कि आप अगले साल कर लो ये करके, आपने एक साल कंटेस्ट किए हैं तो आप मुझे असगर ये बता दे यार तू करना क्या चाहता है, क्यों करना चाहता है, मैं तुझे गिनवा देता हूँ कि मैं लेक्चर कराऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तू क्यों करना चाहता है, कहता है कि मैं रूल ऑफ लॉ लाना चाहता हूँ। मैं कहता ऐसे वो बंदा कहता ना जिंदे को एक चीज़ भी ना हो, तू एक साल से कंटेस्ट कर रहा है, तुझे पता ही नहीं कि तू क्यों ये ओहदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तू क्या करेगा एक दो तीन चीज़ गिनवा, ओहदा इसलिए करते हैं बार वोकेशनल कोर्स में, मैं यहाँ पे भी जो आपके सामने बैठा हूँ, मेरा मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं थी कि मैंने अपने दोस्त वगैरह का किया, बट मेरा दीन ईमान ये है कि ओहदे आप काम करने के लिए करते हैं और आपके सामने बेसिकली इसीलिए बैठती अभी भी बैठती ये जो गप कर रहा हूँ। तो असगर के साथ भी बेसिकली यही मामला था, चूंकि मैंने उसका जिक्र कर दिया है, थॉट आई नीड टू एक्सप्लेन क्या है, आप भी बीच में आगे इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे इसलिए लड़ेंगे क्योंकि उसको पावर कुर्सी का फायदा होता है बहुत, आपकी वकालत वगैरह के ऊपर तो होता है, मगर आप कुर्सी इसलिए हासिल करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके तब्दीली ला सकते हैं, बार वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठ के उनको आप ट्रेन कर सकते हैं, वो मेरी लालच थी तो वो मैंने बीच में की है। जिन दिनों में आप सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं सर, आपने बहुत सारे हमें मूवियाँ दिखाई हैं उसमें कराची शोधा देखिए कुछ गेन किया सर, ये देखिए भाई दीनी भी जो आपने दिखाई है ना कि हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम खाना साहब पर जाके उन्होंने अजान दी, तो वो आज तक याद कर सारे दोस्त उठ रहे हैं, मैंने कंक्लूड कर दिया, एक चीज मैं आपको सिर्फ बताता जाऊँ यार, देखो एक चीज मुझे किसी बंदे की ये नहीं, और ये कह के उठेंगे इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा, सारा कुछ मैं ही करना किसी क्यों नहीं करता, इश्यू ये है ये कमरा आपका है, आपने यहाँ पे ड्रामे करने करो, आपने यहाँ पे डिबेट्स करने करो, सिर्फ मुजराना करवाइएगा बाकी सारा खुला खाता है, वो मैंने यंग लॉयर फेडरेशन वायलअप को एक जमाने के अंदर जी हमें पैसे चाहिए हमने फंक्शन कराना है हमने दे दिया, जब मैं फंक्शन पे गया तो वहां पे मुजरा हो रहा था मैंने कहा ये क्या, मैं इससे बाद में सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा जो मैं इस यहाँ पे आपके सामने और पॉलिटिक्स में आया भी हूँ कि दुनिया के अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर जो चीजें होती है वो यहाँ पे होती नहीं है, जो वहां पे बंदे मौजूद हैं जो अफ्रीका के घने जंगलों में जो आपको पता भी नहीं है कि आपका क्या हक है आप क्या करना चाहते हैं, आपको पता भी नहीं, आपको ये सोचता ही नहीं है कि आप उसको कहेंगे मैंने पढ़ा, आपको पता भी नहीं है कि आप उनको कहते हैं कि मैं तो ड्रामा करना है या मैं डिबेट्स का कंपटीशन करना, तो पूछने की तुम्हें जरूरत है, ये आपने अंग्रेजी ठीक करनी है, आप यहाँ पर डिबेट्स अंग्रेजी के करवा लो, चलो उठे चला गया बीच में पकड़ के, बट अंग्रेजी के डिबेट्स करवा लो, मैं आ जाऊंगा मैं वहां पर तमगा दे दूंगा, कितने करोड़ रुपए लगेंगे, 5 रुपए का नहीं है ये नुस्खा करो, सो आपका ये आपने अपनी मदद खुद करनी है, तो आपने उस पर अलाउ नहीं किया था, मैंने कहा लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन देखिए तो बार एसोसिएशन में मेरा मौके उसमें भैया ये तो मैं आपने मेरे मुंह से ये निकल गया सर कि आपने ये
कराची शोधा आज नहीं दे रहे, बस मैं मोहतरम ने के तहत मैंने मिला कि मैंने तो आपको सब बेतहाशा वोट दिए हैं, आज मैंने कहा आपको करना ही है, आपने नहीं पूछा सर देख मैं आपको, आपको नहीं करना है सर। देखिए जिस बंदे ने मुझे मुंह पे आके ये कहा ना कि मैंने आपको वोट दिए होंगे आप मेरा ये काम करें, मैंने नहीं किया सीधी सीधी, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ, आपका वाला केस नहीं है। मैंने 35 या 36 वोट दिए थे, इससे ज्यादा नहीं दिए। 35-36 वोट जी सर। देखिए देखिए भाई आपके सामने उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा जो हम चीज कर रहे हैं। मेरे पास एक लड़का आ गया, एक सीनियर वकील साहब आ गए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद भाई मेरा पर्चा नहीं रजिस्टर हो रहा, सेकंड टाइम से पर्चा रजिस्टर करवा दें। मैंने कहा ठीक है यार भाई, आपका आपका हक है, 22 से 22 भी अभी किए मैं पटे नहीं, 22 से 22 भी नहीं, कॉल कर दें आप SHO को, ये सारे का सारा कर दें। मैंने कहा यार ऑफेंस क्या है, छोड़ें जी ऑफेंस वगैरह छोड़े, आप वो मेरा नहीं कर रहा पर्चा वगैरह कर दें। मैंने उसको कहा कि और शायद ये उन्हीं दिनों के अंदर आपके साथ मेरी बात हुई। मैंने कहा जी आप बताइए कि फ़ोन भी मैंने मंगवा लिया, कौन सा SHO टैक्सिला का था, अच्छा चलो ठीक है उसको भी बुलवा लेते हैं, अच्छा एक फ़ोन भी कान के साथ लगा दिया, अब तो बता दो क्या ऑफेंस है। कहता है ब्लास्फेमी। मैं कहता ब्लास्फेमी, आपको पता है कि ब्लास्फेमी का अगर कोई बंदा किसी पर्चा हो जाए तो लोग वैसे ही उसको गोली मार देते हैं, या आप ही उसकी तरफ से बात करें, मैंने आपको वोट दिया हुआ है। मैं कहता भाई आपने सही वोट वगैरह दिया होगा, बट आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका उस बंदे के साथ कोई पैसों की लेन देन का मामला है। कहता उस पैसे क्या तल, वो हिंदू है, मैंने आपको वोट दिया, मैं आपका ये है लगता है मैंने गलत बंदे को दे दिया। मैंने उनको फिर कहा कि लगता है कि फिर आपने गलत बंदे को वोट दे दिया, अगर मैं आपको वापस दे सकता तो मैं दे देता। इशू बेसिकली ये है यहाँ पे करके, आपने मुझे यहाँ पे कुर्सी पे इसलिए बीच में वोट दे के किया है, बिठाया है कि क्योंकि आपने मुझे जाना कि मैं यहाँ पे कोई काम करूँगा। अगर तो आपके ख्याल के अंदर मैंने और आपके सामने ही हूँ यहाँ पे, आपकी सपोर्ट की वजह से आपने मुझे सेक्रेटरी बनाया, इसलिए मैं मेंबर बना और यहाँ पे बना हूँ। आप आई होप आप चूंकि एक क्लासेस हमारी अटेंड कर रहे हैं, आपको शायद पसंद ही आ रहा है मेरा काम, तो ये है। वो रही बात वहाँ पे जो आपका महफिल मिलाद वाला है, मेरे नज़दीक रिलीजियस वाली जो चीज़ें हैं ना जी वहाँ पे करके, उन दिनों के अंदर खास तौर के ऊपर बार एसोसिएशन के अंदर एक टाइम के ऊपर हमने आपको शायद याद होगा ये कि इमरान खान वाले जो साहब हैं जो रिलीजियस लीडर हैं यार, जो इमरान खान के लिए दुआ करते रहते हैं, तारिक जमील साहब को उनको बुलवाया था, आपके सामने ही था वो मामला हुआ। बार एसोसिएशन के अंदर रिलीजन का मेरे ख्याल में इतना अमल दखल नहीं होना चाहिए, आपको इतना अग्रेसिवली आप नहीं कर सकते, बिकॉज फिरका वारियत आपका रिलीजन में और ये सारे का सारा वो फिर बहुत ज्यादा आ जाता है। आपकी बीच में है, अगर आप करना चाहते हैं जरूर सौ बिस्मिल्लाह वगैरह, एवरी वंस इन अ वाइल एक स्टैंडर्ड मिलाद कमेटी वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, उन्होंने बनाई हुई थी, मैडम ने वहाँ पे 2-3 मिलाद वगैरह करवाए भी थे, बट आई मे बी लेक्चर हो रहा होगा मुझे ऑनेस्टली याद नहीं एग्जैक्टली क्या वजह थी, प्रॉब्ली शायद आपने मुझे यही कहा होगा कि मैंने वोट दिया वो फिर मैंने कहा फिर रैंक मेरे मुंह से यही निकल गया और आपने कहा नहीं अब इस तरह।